सभी शास्त्र एक बात तो समान तौर पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा से संत का समागम मिलता है और संत की कृपा से प्रभु का साक्षात्कार होता है। निश्चित है ये तथ्य कभी भी तुम बदल ना पाओगे। तुम्हारे जीवन में संत का आगमन यह कोई तुम्हारी अपनी खोज नहीं थी। तुम्हारी खोज हो भी यदि, मान लो तुम बड़े खोजी किस्म के व्यक्ति हो, तुम्हारी खोज हो भी कि मुझे कोई सद्गुरु जीवन में मिल जाए, लेकिन खोज ये पूरी तो उसी दिन होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। और जब संत की तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि का मीनिंग हमने समझा था कहीं बीच में, तीन प्रकार की दृष्टि होती है, पहली ज्ञान दृष्टि, दूसरी प्रेम दृष्टि और तीसरी कृपा दृष्टि। ये तीन दृष्टि होती है। ये तीन प्रकार की दृष्टि जब संत के माध्यम से तुम्हें मिलती है, ज्ञान दृष्टि, प्रेम दृष्टि और कृपा दृष्टि, तब तुम्हें उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। संत वह नहीं होता जो तुम्हें ज्ञान से भर दे, संत वह होता है जो तुम्हें अज्ञान और अहंकार से खाली कर दे। इसलिए तुम यहाँ पर भी आते हो तो ये मत सोचना कि हम बहुत ज्ञान भरने आते हैं, अष्टावक्र के श्लोकों का अर्थघटन कर लेंगे, अब उत्तराध्ययन के सूत्रों को पट 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 बोल देंगे, ये मत सोचना। संत का समागम मतलब खूब ज्ञान भरना ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो खूब अज्ञान, खूब अहंकार, खूब अपेक्षाएँ भरी है उससे खाली होना। हाँ, साधन तो ज्ञान ही रहेगा क्योंकि ये है कौन सा युग, कलयुग। साधन तो ज्ञान ही रहेगा, तुम्हें और कोई साधन बहुत मात्रा में नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये लोग भक्ति गाते हैं, हालांकि हम भी ध्यान कराते हैं, लेकिन वो सर्कल ऑफ मेडिटेशन 6 वीक्स में एक बार रिपीट होता है। सत्संगों के सामने इन लोगों की जो भक्ति होती है वो भी शायद 15 मिनट की होगी, तो सत्संग 2 घंटे के होते हैं, 1.5 घंटे के होते हैं। आधार तो ज्ञान ही बनेगा, लेकिन ज्ञान का आधार लेकर काम क्या करना है, निकालना है अपनी अपेक्षाओं को, निकालना है अपने अहंकार को। मैं स्टूडेंट्स अवेकनिंग प्रोग्राम में एक कहानी बच्चों को सुनाया करती हूँ हमेशा, कि एक कौवा था, प्यासे कौवे की बात नहीं है, एक कौवा था। वह कौवा, उसे कुछ ज़मीन में मांस का टुकड़ा मिला तो लेकर उड़ गया, चील होगी, लेकर उड़ गया ऊपर। और वो उड़ रहा था तो उसने देखा कि पीछे बहुत सारे कौवे उसका पीछा कर रहे हैं। एक कौवा, उसे कुछ रोटी का टुकड़ा मिला था, आकाश में उड़ रहा था, उसे था कि कहीं एकांत में बैठकर इस रोटी के टुकड़े को खाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उस कौवे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कितने सारे कौवे उसका पीछा कर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आया कि कभी तो ये कौवे मेरा पीछा नहीं करते, आज क्या बात है, ये सब कौवे मुझे मेरा पीछा कर रहे हैं। अचानक, हो सकता है उस कौवे को भी कोई ज्ञानावरणीय उसका हटा होगा, उसे अचानक ऐसा लगा कि ये कौवे मेरा पीछा नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बीक के अंदर, मेरी चोंच में जो रोटी का टुकड़ा है ना, ये उसका पीछा कर रहे हैं। तो अब उसे उन कौवों से मुक्ति चाहिए थी, तो उसे क्या सूझा, चूंकि मुझे कौवों से मुक्ति चाहिए तो मुझे क्या करना है, कौवों से लड़ झगड़ के मुक्ति मिलेगी नहीं, उसे किससे मुक्ति मिलेगी, रोटी का टुकड़ा गिरा दे तो कौवे भी चले जाएंगे। सडनली दैट फ्लैश ऑफ इंटेलिजेंस, एकदम से उसका दिमाग चला और उसने रोटी छोड़ दी। रोटी छोड़ते ही उसने एक दूसरा आश्चर्य देखा कि पूरा आकाश खाली हो गया, मेरा हो गया। बस तुम भी अपनी चोंच के अंदर ये जो अहंकार का अपेक्षाओं का टुकड़ा लेकर घूम रहे हो ना, तुम्हारी चोंच के अंदर है कि नहीं है, किसी की चोंच में, इस वजह से विचारों की भीड़, इस वजह से दुख की भीड़ तुम्हारा पीछा कर रही है, इस वजह से बार बार तुम्हारे जीवन में संताप है, संताप समझ रहे हो ना, इस वजह से बार बार तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं से दुख उठ के आ जाता है। तुम अपने मन की सारी भड़ास भी निकाल दो ना, तो ऐसा लगता था मैं भड़ास निकाल के हम खाली हो जाएंगे, लेकिन भड़ास निकाल के भी तुम रहते तो दुखी के दुखी ही हो ना। कितना भी तुम बोलो, कितना भी तुम करो, लेकिन जब तक तुम अपेक्षा और अहंकार के ये जो टुकड़े लेकर घूम रहे हो ना, इन टुकड़ों को नहीं फेंकोगे, तब तक दुख रूपी कौवे तुम्हें घेर के रखेंगे, तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। तुम्हें यदि अपने जीवन में पूरा सारा आकाश तुम्हारा चाहिए ना,
सारा आकाश, कि तुम्हारा हो जाए सारा आकाश, तुम अकेले हो जाओ सम्राट इस आकाश के, तो उसके लिए तुम्हें बस इतना ही करना है, दूसरों से अपेक्षाएं और दूसरों के प्रति का ये जो अहंकार का भाव है इसे हटाना होगा। जैसे ही तुम ये हटाओगे सारा आकाश तुम्हारा। और ये सारे सत्संग हैं ही इसीलिए कि तुम्हारे भीतर से ये अहंकार और अपेक्षा की जो प्रकृति तुम्हारी पैदा हो गई है ना, जन्मों जन्म से अहंकार और अपेक्षा की जो प्रकृति है, इस प्रकृति को बदलना है। चाहे अष्टावक्र गीता जी के सत्संग हो, चाहे श्री उत्तराधीन सूत्र जी के सत्संग हो, लेकिन काम तो एक ही करना है, जन्मों जन्म की तुम्हारी इस आदत को तोड़ना है। क्योंकि चाहे तुम घर छोड़कर आश्रमों में भी चले जाओ, लेकिन वहाँ भी ये आदतें ही तुम्हारा नुकसान करेगी कि नहीं। अब तुम सत्संग छोड़कर समझो तुम पूरा टाइम हिमालय में चले जाओ, लेकिन ये आदत जो है ना तुम्हारी अपेक्षा, अब तुम्हें घर के लोगों से अपेक्षा नहीं है क्योंकि तुम घर में नहीं रहते, अब तुम्हें सत्संगियों से अपेक्षा है। अब तुम्हें घर में झाड़ू मारने वाली के साथ झगड़ा नहीं होता क्योंकि तुम घर में रहती नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारा झगड़ा आश्रम की झाड़ू वाली से होगा। ये जो झगड़ा करने की आदत है ना, इसको बदलना है। एक संत के पास एक बार कुछ शिष्य आए, कहने लगे कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। संत ने बोला, मैं तो जहाँ हूँ वही मेरा तीर्थ है। संत का तो ऐसा ही होता है ना, जहाँ बैठ जाए वहीं उनका तीर्थ, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ, कौन सा कहते हो तुम लोग, जंगम तीर्थ बन जाता है। तो शिष्यों को तो बड़ी होश होती है ना कि चलो हमें तो जाना ही है तीर्थ यात्रा में, और शिष्यों का धर्म होता है वहाँ जाकर, और संतों का धर्म होता है यहीं बैठकर। यही फ़र्क होता है, शिष्यों को जाके धर्म करना पड़ता है। जब तक तुम्हारा धर्म जाके हो रहा है ना कहीं, तब तक अभी तुम शिष्य हो। जब तुम्हारा धर्म जहाँ तुम बैठे हो ना वहीं हो जाएगा। गद्दी पर श्रीमद बैठे थे तो गद्दी पर धर्म था, वो जाकर इडर के पहाड़ पर बैठ गए तो वहाँ धर्म था। जिस दिन तुम्हारी भी वो दशा होगी ना, उस दिन तुम भी गुरु बन जाओगे, सहजात्म स्वरूप परम गुरु वाले। जब तक भाग भाग कर तुम धार्मिक होने की चेष्टा करते हो, तुम शिष्य रहोगे, अच्छा है, कम से कम तुम शिष्य तो हो। भाग भाग कर धर्म करने की चेष्टा शिष्य की है, और जहाँ है वहीं पर अपने में सरक जाने की कला जिसने सीख ली है वो गुरु बन चुका है। तुम क्या हो, थोड़े थोड़े शिष्य, थोड़े थोड़े गुरु? क्या हो, पूरे? क्या हो, पूरे शिष्य, ऐसा ही रखना। थोड़े थोड़े गुरु का भ्रम ही तुम्हें ले डूबेगा। बनो तो पूरे शिष्य बनना या फिर पूरे गुरु बन जाना। तो ये सारे शिष्य भी कहने लगे, चलिए ना हम सब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा सत्संग हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। लेकिन गुरु ने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो, जरा तुमसे प्रश्न कर लो, तुम क्यों जाना चाहते हो? तो शिष्यों ने कहा, ऐसा सुनते हैं कि यात्रा करने से, तीर्थ की यात्रा करने से हमारे सारे कर्म धुल जाते हैं। जैसा कि ये हिंदू लोग भी मानते ही हैं कि गंगा जी में डुबकी मारने से सारे पाप धुल गए। और तुमसे मैंने उस दिन पूछा था कि गंगा जी में सारे पाप, अज्ञानी जब गंगा जी में डुबकी मारता है तो सारे पाप धुल जाते हैं, मतलब वो कहाँ जाते हैं, गंगा जी के पानी में। तो गंगा कैसे पवित्र होती है? सदगुरु जब डुबकी मारते हैं, एक संत डुबकी मार ले तो पूरी गंगा पवित्र हो जाती है। तो तुम संत के पास ही जाकर डुबकी क्यों नहीं मार लेते, मुझे तो समझ नहीं आता। तुम्हें क्यों वाया वाया फ्लाइट लेने का मन करता है? डायरेक्ट फ्लाइट है, संत के पास जाकर ही डुबकी मार लो ना। लेकिन नहीं, ये शिष्यों को भी ऐसा था कि हम भी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट की। गुरु ने कहा, मेरा तो शेड्यूल बिजी है, वापस अभी अष्टावक्र है, फिर शिविर है, फिर सारा बहुत कुछ है। तुम एक काम करो, मेरे बिहाफ पर है ना ये करेला ले जाओ, मेरे बिहाफ पर करेला पड़ा था पास में, कैसा होता है, मीठा मीठा, कड़वा 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 करेला, इसको ले जाओ। कहते ठीक है, अच्छे से बांधा, क्योंकि गुरु ने दिया है ना, लाल कपड़े में बांधा, गोल्डन डोरी से सजाया, और उसके बाद निकल पड़े सब तीर्थ यात्रा पर। जहाँ भी जाते गुरु का दिया हुआ करेला साथ में लेकर जाते थे। एक महीने का भ्रमण किया, भ्रमण ही कहूँ इसको, तो यात्रा तो नहीं कह सकती। एक महीने का भ्रमण किया, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, वो चार तीर्थ करते हैं, या हम लोगों में भी बहुत करते हैं, वो बहुत सारे तीर्थ करके महीने बाद गुरु जी के पास वापस आए। आकर बोला, बहुत मज़ा आया, सारे पाप धुल गए। तुम्हें तीर्थ यात्रा से तो आके यही लगेगा, पत्नी नहीं है साथ में खटपट करने वाली, पति नहीं है, या है तो भी इतने लोगों के समूह में सब शांत रहते हैं, सबके शैतान तो अकेले में बाहर आते हैं, इतने लोगों में तो सभी कोई शांत रहता है।
तो आए सब वापस के हम बहुत हल्का फील कर रहे हैं और बहुत राहत हो गई, ऐसा लगता है सारे कर्म हमारे खत्म हो गए। और यहाँ पर अभी संत के पास आकर बैठे हैं, संत ने बोला जरा वो मैंने दिया था ना करेला वो निकालना। बोले कि हाँ ये रहा, उसको भी हमने सब जगह तीर्थ यात्रा कराई। तो क्या किया तुमने? कहते जहाँ हम गए वहीं मत्था टेकने ले गए, जहाँ हमने भोजन प्रसाद किया वहाँ इसको भी साथ में बिठाया, जहाँ हमने नदी में स्नान किया इसको भी कराया, जहाँ जहाँ हमने जो जो किया ना भक्ति में बैठे सत्संग में बैठे, ये करेला आपका दिया हुआ करेला हमने साथ में रखा। कहते ठीक है चलो लाओ काटो, छीला काटा और कहा खाओ इसको खाओ कैसा है। थू थू करने लगे, कड़वा है ये, क्यों एक महीने की तीर्थ यात्रा के बाद भी ये करेले का कड़वापन गया नहीं? कहते नहीं नहीं कैसे जाएगा जी, वो तो इसकी प्रकृति है, प्रकृति कैसे जा सकती है, करेले की प्रकृति है कड़वा रहना। तो इसी तरह सद्गुरु ने कहा मैं भी तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हारी प्रकृति है अज्ञानी की, अहंकारी की, तामसिक की, राजसिक की, है कि नहीं? तुम्हारी ये सारी प्रकृति है, इस प्रकृति को बदले बिना तुम तीर्थ यात्रा पर तीर्थ यात्रा करते जाओ और अपने आप को ये भ्रम देते जाओ कि हाँ भाई हम तो अब साफ हो गए, ये कैसे संभव है? एक करेला भी कड़वे से मीठा नहीं हुआ। तो तुम्हारे अंदर तो क्रोध, मान, अहंकार, अपेक्षा, ममत्व, मायाचारी, लोभ, झूठ, कितनी प्रकृतियाँ पड़ी है, करेले की एक प्रकृति भी बदली नहीं है। तो तुम्हारे अंदर पड़ी हजारों प्रकृतियां कैसे बदल सकती है भाई? जो मेहनत करनी है ना तुम्हें यहां बैठकर करनी है। भले तीर्थ यात्रा में जाकर तुम्हें प्रकृति पलटने का मन करता है तो गो कि वहां जाकर मैं इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, लेकिन भाई साहब फिर वहां जाकर क्यों करते हो, यहीं बैठकर करो ना। सुबह एक घंटा जल्दी उठ जाओ, आजकल तो ठंड के इन दिनों में बहुत शांति लगती है, तो इन शांति के अंदर अपना इंट्रोस्पेक्शन करो ना, आज के सूत्र वही आ रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने आप को हमने ये धोखा दे रखा है कि धर्म प्रवृत्ति यानी बाहर कहीं भागना। और मैं इतने सालों से तुम लोगों को यही सिखाने की चेष्टा कर रही हूँ कि धर्म यानी भागना नहीं, धर्म यानी अपने भीतर चल रहे भावों के प्रति झांकना। सभी लोगों के अंदर देखो, तुम्हारे पास शरीर है, तुम सबके पास है शरीर, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, ये चार चीज़ें सभी के अंदर है ना। शरीर भी है सबके पास एक जैसा ही, सबके पास वही दो आंखें, नाक, एक जैसा देखने में नहीं, लेकिन तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन सब एक जैसा ही तो है कि नहीं है? वही दो किडनी होगी, एक लीवर होगा, एक तुम्हारा लंग्स होंगे, सब कुछ वही का वही है ना। और वही तुम्हारी आंखें, दो कान, एक नाक, होठ, दांत, सबके समान ही होते हैं। शरीर के स्तर पर तुम सब समान हो, आत्मा के स्तर पर अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, बिल्कुल तुम सब समान हो। इनफैक्ट तुम और सिद्ध परमात्मा जो है ना वो भी समान है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो चार चीज़ों में से दो में तो समानता है, शरीर और आत्मा के स्तर पर तुम बिल्कुल इक्वल हो। असमानता कहाँ है? मन और बुद्धि, उसमें भी मैं तुम्हें कहूँगी मन में भी इतनी असमानता नहीं है। अभी अगर लाइट चली जाए समझ लो तो एक जैसा सभी के मन में एक जैसा विचार आएगा, ओ नो लाइट चली गई, या कोई खुश भी होगा अरे वाह लाइट चली गई, ये बोलेगा बल्ले बल्ले लाइट गई लाइट गई, ऐसा बोलोगे नहीं। मन के स्तर पर भी तुम कहीं ना कहीं समान हो। कोई तुम्हें धोखा देता है तो कभी किसी को ऐसा लगता है आज धोखा दिया ना मज़ा आ गया, सबको तकलीफ होती है ना, क्रोध आता है ना। कोई तुम्हें झूठ बोलता है तो तुम्हें तकलीफ, सभी को तकलीफ होती है, यदि उसका झूठ तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए तो मुझे दुखी होगा ना, ये प्रभु मुझसे क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी कोई झूठ बोले तो तुम्हें भी तो तकलीफ होगी। कोई तुम्हें क्रोध करे, कोई तुम्हें झूठ बोले, अचानक तुम्हारा कोई हार तुमने हीरे का पहन रखा है वो कोई चोरी करके ले जाए तो भी दुख होना स्वाभाविक ही तो है कि नहीं है। सभी का मन यानी जो तुम्हारे रिएक्शंस कर रहा है तुरंत ही, इमीडिएट रिएक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं करें, मन यानी माइंड, माइंड जो है तुम्हारा वो भी तो सभी का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में थोड़ा फर्क होता है कि भाई उसको ज़्यादा, ज्ञानी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कोई हीरे का हार चुरा के ले जाए, लेकिन अज्ञानी के लेवल पर अगर आप हैं तो सभी का मन एक जैसा है कि नहीं है। तो शरीर के स्तर पर आप सब एक हो कि नहीं हो? यस। आत्मा के स्तर पर आप सभी एक में एक हो कि नहीं? ओनली वन। मन के स्तर पर भी ऑलमोस्ट एक जैसे हो, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें किसी ने आज क्रोध किया ना हमें बड़ा मजा आया,
नहीं, दुख होगा ही, किसी को मज़ा नहीं आएगा। किसी ने धोखा दिया, हमारे हमारे पैसे हड़प लिए, तो हमें बड़ा आनंद है। नहीं, अभी भी तुम उस बात का मातम बना रहे होंगे कि नहीं, मन के स्तर पर भी सब सेम है। फर्क कहाँ है? फर्क है बुद्धि के स्तर पर। फर्क कहाँ है? बुद्धि, जो बुद्धि ही आगे जाके तुम्हारी प्रज्ञा बन जाती है, वही बुद्धि। चार बुद्धियाँ बताई थी ना, कुबुद्धि, अबुद्धि, मंद बुद्धि और सत बुद्धि। बड़े बिल्कुल परफेक्ट याद है आप लोगों को, तो मतलब ये आगे वालों को। शरीर के स्तर पर एक जैसे, आत्मा के स्तर पर बिल्कुल एक जैसे, सिद्धों में और तुम में भी कोई फर्क नहीं है। जैसा अनंत सुख से भरा, अनंत गुणों से भरा उनका आत्मा है, वैसा ही तुम्हारा है। मन के स्तर पर भी तुम लोग लगभग एक जैसे हो। तुम क्या, वो जानवर भी होते हैं ना, उनका भी मन का स्तर एक जैसा ही होता है। किसी कुत्ते को हिश हिश करो तो सामने ही भौंकेगा ना, हर कुत्ते का मन ऐसा ही है। फर्क कहाँ है? केवल बुद्धि। बुद्धि का स्तर तुम्हारा डेवलप करने के लिए ये सत्संग है। बुद्धि यानी जो निर्णय करने का काम करती है, मन यानी जो रिएक्शन करने का काम करता है, प्रतिक्रिया करने का काम, और बुद्धि यानी जो निर्णय लेने का काम करती है। तो मैं यूथ स्टडी क्लब में मैं समझाती हूँ ना, जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, कितने चार बेसिस तुम्हें सिखाए थे। ये इंटेलेक्ट का काम ही है कि चार ढंग से ये जजमेंट करता है, वो चार यही है, सद्बुद्धि, कुबुद्धि, अबुद्धि और मंदबुद्धि। इसलिए सत्संगों के माध्यम से बार बार तुम्हें अपनी बुद्धि को अपग्रेड करके प्रज्ञा बना देना है। और बुद्धि से प्रज्ञा तक जब ये यात्रा होती है ना, तो बीच में वो, इस बार अष्टावक्र की गीता में मैंने बोर्ड पर वो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था ना, बीच में जो मन होता है ना, वो तुम्हारा धीरे धीरे खाली होता है। मन के राग द्वेष जाएंगे कैसे? तुम्हारे शरीर से जाएंगे क्या? मन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि मन तो तुरंत रिएक्ट करने की आदत रखता है। तो जब ठीक है, रिएक्शन हो गया, उसके बाद अब ट्रेन किसे करना है? बुद्धि को। क्योंकि मन को रिएक्शन भी कौन सप्लाई कर रहा है? बुद्धि। मन को रिएक्शन सप्लाई कौन कर रहा है? ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा? तुम्हारी जैसी बुद्धि होगी ना, वैसा रिएक्शन होगा। आज समझो ना, कोई मुझे चाय दे रहा है और उसे चाय गिर जाए, मेरे कपड़ों पर गिर जाए या टेबल पर गिर जाए, यदि मुझे उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? कोई बात नहीं है प्रभु, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मुझे उस व्यक्ति के प्रति राग नहीं है, द्वेष है, घृणा है, मुझे वैसे ही उसके प्रति चिढ़ है, तो मुझे क्या लगेगा? जानबूझ के किया। मन के लेवल पर तो रिएक्शन सेम ही आएंगे। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित होती है, प्रज्ञा, जैसे जैसे आपकी बुद्धि कुबुद्धि, अबुद्धि, मंद बुद्धि, सद्बुद्धि यानी प्रज्ञा में परिवर्तित होती है, वैसे वैसे इन बीच के स्टेशंस में से राग और द्वेष का वो जो गोला है ना, वो खाली होता जाता है। तुम्हारे राग और द्वेष कम होते जाते हैं। और ज्यों ज्यों राग और द्वेष, वो डायग्राम तुम्हें याद है कि नहीं है, ज्यों ज्यों राग और द्वेष का वो जो गोला है बीच में से निकलेगा, तो वस्तु स्वरूप यानी आत्मा जैसा है वैसा ही तुम्हें नजर आएगा कि नहीं आएगा? यही पूरी प्रक्रिया कराने के लिए सारे सत्संग हैं, चाहे उत्तराध्ययन सूत्र हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो। बस फर्क इतना है, अष्टावक्र गीता में ज़्यादा जो मूल बात है वो आत्मा की अपेक्षा से चल रही है। हालांकि मैं तो सब कुछ मिला देती हूँ, लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र में सारी बात मन को स्वच्छ करने की अपेक्षा से चल रही है, तुम्हारी बुद्धि को प्रज्ञा में रूपांतरित करने की अपेक्षा से चल रही है। तो जैसे वो करेला एक महीने की तीर्थ यात्रा करके आया तो भी कड़वा का कड़वा रहा, वैसे तुम भी कहीं 2014 के सारे सत्संगों को सुनने के बाद, शिविर को भी अटेंड करने के बाद, कड़वे के कड़वे तो नहीं रह जाओगे ना? तुम्हारे भीतर कुछ मिठास आ रही है कि नहीं? शरीर आत्मा सबका समान है, मन भी लगभग समान है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे इंटेलेक्ट लेवल पर कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों को देखने की जो तुम्हारी दृष्टि है, दूसरों को देखने की, दूसरों के कृत्यों को देखने की, किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो अब तुम्हें रिटर्निंग फाइल लगती है कि नहीं? किसी ने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया तो अब तुम्हें वो रिटर्निंग फाइल लगती है कि नहीं? किसी ने तुमसे झूठ बोला तो तुम्हें लगता है ना, मैंने भी बोला, उसने भी बोला, फाइल क्लोज। इस तरह तुम्हारे बैलेंस सारे क्लोज होते जा रहे हैं कि नहीं? बस फिर ठीक है, फिर मुझे भी लगे तुम हाँ सारे बोल दो जरा, हाँ तुम खुशी खुशी हाँ बोल दो, ठीक है। अगर हाँ है तो मुझे भी लगे कि इतनी ठंड में रात को आना तुम्हारे लिए, मुझे तो मज़ा ही आता है। मैं पीछे भी कह रही थी, सारे सत्संग इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि तुम्हारी घड़ी में 10:30 बजते हैं,
तुम्हारी घड़ी के अंदर रात होती है, तुम्हें घर जाना होता है, मुझे कभी भी हड़बड़ी नहीं होती। तुम लोग मिलकर भी जाते हो उसके बाद भी शायद मैं एक डेढ़ घंटे तक यहीं बैठी होती हूँ, सबसे आराम आराम से बातें करती हूँ। सारे सत्संगों का फाइनली यही निचोड़ है कि तुम्हारी प्रकृति बदले। तुम क्रोधीले हो तो तुम क्षमापूर्ण हो, तुम्हें बहुत झूठ बोलने की आदत है तो तुम थोड़ी सच बोलने की हिम्मत अब अपने जीवन में लाओ। और सच बोलने से कभी ना मन में बोझ नहीं होता। हाँ, भय लगेगा शुरू शुरू में कि सामने वाला ना मेरे बारे में क्या सोच लेगा मैं सच बोल दूंगी तो, लेकिन बोझ से तुम आज़ाद हो जाओगे। भय होगा थोड़ा लेकिन बोझ चला जाएगा। पहले बोझ को हटाओ और उसके बाद धीरे धीरे भय भी चला जाएगा। अब हम आते हैं उत्तराधीन सूत्र। टोटल कितने अध्ययन है? टोटल 36 अध्ययन। हमारा कौन सा चल रहा है? 29th अध्ययन के हमने 14 गुच्छे किए हैं। उन 14 गुच्छों में से अभी चौथा गुच्छा चल रहा है। टोटल 73 सूत्र हैं। एक एक शब्द ही है, वो सूत्र को ही हम लोग यहाँ एलैबोरेट कर रहे हैं। हर सूत्र की प्रक्रिया क्या है और उसका परिणाम क्या है, हम यही तो देख रहे हैं। और तुम्हें समझ में आ रहा है ना बिल्कुल कि नहीं आ रहे? मैं तो इन सत्संगों को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि व्यवहार शुद्धि में क्या करना है ना बहुत स्पष्टता से पता चल रहा है। और जो लोग ये वचनामृत पढ़ रहे होंगे उन्हें और मज़ा आ रहा होगा क्योंकि कृपाणु देव भी वही बात करे जा रहे हैं, व्यवहार शुद्धि। आत्मा तो शुद्धि है, शुद्धि कहाँ लानी अब तुम्हें? बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में। जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी, वैसे वैसे वैसा ही संकेत मन को भेजेगी, और जैसा संकेत मन को भेजेगी वैसे ही तुम्हारे कर्मों का बंधन होगा। इसलिए पूरी यात्रा मन को और बुद्धि को साफ करने के लिए है। चौथा गुच्छा और चौथे गुच्छे के अंदर ये 9 सूत्र। पहले गुच्छे में 4 सूत्र थे, दूसरे गुच्छे में 5 सूत्र, तीसरे गुच्छे में 6, हाँ, चौथे गुच्छे में 9। ये 9 सूत्रों में से हमने पहले स्तव स्तुति मंगल कर लिया है 14 नंबर का, 15वां कर लिया है काल प्रतिलेखना, 16-17 गायब हो गए, कुछ गड़बड़ करी है इसने पार्थ ने लिखने में, 16-17 कहाँ गए? क्षमापना और प्रायश्चित, ये दो थे, 16वां था प्रायश्चित और 17वां था क्षमापना। उसके बाद हमने 18वां स्वाध्याय कर लिया है, स्व का अध्ययन करना। उसके बाद 19वां वाचना, वो भी हमने किया। 20वां प्रति प्रश्न करना, यानी तीन बातें बताई थी, प्रति प्रश्न यानी पहले स्वयं से पूछना, फिर अपने सत्संगी से पूछना, और उसके बाद सद्गुरु से पूछना, अपने से ऊंचे को पूछना। क्या पूछना? धंधा कब चलेगा, बच्चा कब कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास होगा, ये सब पूछना नहीं, आत्मलक्षी बात। अब आती है परावर्तना, 21वां सूत्र, आप भी खोल लीजिए अपनी अपनी बुक्स में। उत्तराधीन सूत्र हम जिसके आधार पर कर रहे हैं वो ये आचार्य तुलसी की टीका है। आप लोगों को कोई भी यदि पूछे आप किस, क्योंकि बहुत सारे उत्तराधीन सूत्र हैं उसमें हमने किनको अपना बेस बनाया है, आचार्य तुलसी की टीका को। परिवर्तना भन्ते, परिवर्तना से जीव क्या प्राप्त करता है? परिवर्तना का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, प्रक्रिया क्या है परिवर्तना की, प्रक्रिया, उसके बाद हम परिणाम देखेंगे। परिवर्तना यानी घूम घूम कर पढ़ना, घूम घूम कर पढ़ना यानी ऐसे राउंड मार मार कर पढ़ना नहीं, घूम घूम बार बार, परि का मतलब ही होता है बार बार घूमना, घूम घूम कर। परिवर्तना का मतलब जो कुछ भी तुमने श्रुत में सुना है, तुमने सत्संगों में सुना है, तुमने कहीं किसी अच्छे व्यक्ति से सुना है, या तुमने अपनी डायरी कोई बनाई उस डायरी में कुछ लिखा है अपने, या कहीं से वो ये कौन सा आता है विजडम, ये नहीं ब्लिस ऑफ विजडम नहीं, ट्री कौन सा आता है तुम्हारा, स्पीकिंग ट्री, स्पीकिंग ट्री में से कट कर करके रखने की आदत होती है ना, हाँ, जैसे आप लोगों को है, तो वैसे स्पीकिंग ट्री में से भी कट कर करके रखा है तो क्या अपनी फाइल बड़ी करने के लिए? परिवर्तना के लिए। परिवर्तना यानी घूम घूम कर पढ़ना, ज़रूर काटो, कहीं कहीं से कुछ अच्छा लिख पढ़ा है उसे ज़रूर अपने शब्दों में लिखो, उसे काट के आर्टिकल को लिखो, या कुछ सुना है अपनी डायरी में लिखा है तो वो, लेकिन सबको बार बार घूम घूम कर पढ़ना इस परिवर्तना, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें परिवर्तना के लिए स्पेस मिलता है कि नहीं? तुम कहोगे हफ्ते में 2 सत्संग हो जाते हैं, परिवर्तना का स्पेस कहाँ है?
तुम्हें मिल रहा है कि नहीं, नहीं तो हम सत्संग कम करें। एक हाँ के नहीं, सौरभ प्रभु हाँ कह रहे हैं, हाँ जरा हाथ खड़ा करो मुझे पता चले। हाँ झूठ झूठ वाले हाथ नहीं खड़ा करेंगे, हाँ बिल्कुल सही सही वाले बिल्कुल। यानी तुम डायरी में जो लिखते हो सारा वापस पढ़ते हो, गुड। दूसरा पढ़ना ये तो ठीक है, और दूसरी बात परिवर्तना की प्रक्रिया क्या है, घूम घूम कर वही बात करना। पढ़ना इतना तो ठीक है, घूम घूम कर यानी रिपीट करना उन्हीं बातों को, बार बार रिपीट करना, बार 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 वही बातों को किसी के साथ शेयर करना जो तुम्हें समझता है उसके साथ शेयर करना, या उसको कहीं ना कहीं अपने गुरु के पास भी जाते हो तो भाई हमने आपसे ये बहुत अच्छा सीखा, वो जो आपने उस दिन सिखाया था ना वो बात तो एकदम दिल में चिपक गई। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, अष्टावक्र गीता जी का सत्संग होता है 10:30 से लेकर 1 बजे तक मेरे सुनाने का टाइम, उसके बाद 1 से 3:30 बजे तक मेरे सुनने का टाइम, उसके बाद 3:30 बजे के बाद जो भी हम लोग भोजन वगैरह का अपना करते हैं, लेकिन 3:30 से 6 बजे तक परिवर्तना का समय होता है। घर में नीलेश प्रभु, पार्थ भयू, बस वही की वही बातें रिपीट करते हैं, मैम आज तो क्या बताया आपने, आज तो आपने ये इतना मतलब ये डायमेंशन इतने अच्छे से खुला, अरे भाई तो थका नहीं 2 घंटे सुनकर। लेकिन नहीं, ये जो परिवर्तना, जो साधक अंदर से शुद्ध होते हैं ना उनको परिवर्तना करने में, बार बार घूम घूम कर वही बात करने में, अरे अभी मैं बोल कर ही तो आई हूँ लेकिन फिर वापस हम पूरा एपिसोड रिपीट करते हैं, फिर पूरी स्टोरी घर में बातें करते हैं, क्यों, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। उत्साह ही इतना होता है, यकीन करोगे तुम 6 बजे फिर मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ कहीं घूमने, और जैसा हर बार कई बार खाना खाने चली जाती हूँ, लेकिन 6 बजे तक 10:30 बजे से लेकर 6 बजे तक यही क्रम, इसे मैं परिवर्तना कहती हूँ। वहाँ तुम्हारे सामने भी जो बोल रहे हो मेरे लिए तो परिवर्तना ही है ना, जो मैंने सैटरडे को या जो मैंने 2004 में अपनी डायरी में नोट्स बनाए हैं अष्टावक्र गीता के, उसको खोलकर बैठती हूँ और उसके बाद सारा कुछ रेफर करती हूँ, समझती हूँ, तुम्हारे सामने आके घूम घूम के फिर के बोलती हूँ, अब तो स्टेज पर भी घूमती हूँ, इसलिए घूम घूम कर बोल। पहले तो पढ़ना, 2004 की मेरी डायरी में अष्टावक्र गीता के नोट्स हैं और हम 2014, तुम 10 साल पीछे चल रहे हो मुझसे, 10 साल पीछे। तुम किसके लिए तालियां किसके लिए बजाते हो, मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब तुम पीछे, हाँ क्या, अच्छा चलो मैं तेरे पीछे पीछे, अच्छा फिर ठीक है, अच्छा तुम पीछे पीछे हो इसलिए ठीक है, हाँ ये भी ठीक है ताली बजाने के लिए। घूम घूम कर पढ़ना और घूम घूम कर वही बात करना, 2 घंटे के सत्संग के बाद तुम्हारी बातें अगर तुरंत बदल जाती है, कौन से मॉल में सेल है, कहाँ वुलन्स अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ अब जाना है, अगर तुम्हारी बातें बदल जाती है ठीक है, तुमने वाचना में तो भाग लिया लेकिन तुम आगे नहीं बढ़े, परिवर्तना में नहीं आए, अभी तुम्हारी आंतरिक स्थिति नहीं बदली। और मैं कहती हूँ ना, जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। तुम्हें परमात्मा को प्रकट करना है ना तो उसके लिए तुम्हें प्रकृति बदलनी होगी, और प्रकृति क्या, अब तुम्हें मॉल की बातें ही व्यर्थ लगे। हम लोग रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो वहाँ क्या है, बातें हम क्या करते होंगे, आपको क्या लगता है, पीके देखने चलोगे मेरे साथ, ऐसी बातें करेंगे हम। वहाँ पर भी हमारी बातें या तो कुछ मिशन की चल रही है, मिशन एक्टिविटीज़ की चल रही है, ब्लेस ऑफ विजडम डिले क्यों हो रही है आप सबकी मेहरबानी से, तो ये बातें चल रही है, कुछ मेरा ही विजन चेंज हो रहा है इसलिए डिले करते जा रहे हैं उसको, लेकिन बातें कंटिन्यूसली वही चल रही है, इट शोज दशा, तुम्हारा मन ना वहीं पर चिपका है। तुम्हें कहीं पर भी जाके रख देना तुम्हारा मन वहीं चिपका रहेगा। वो कंपस की नीडल देखी है तुम लोगों ने कभी, इट ऑलवेज फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ होती है ना, उसे तुम किसी भी दिशा में रख दो ना वो नॉर्थ ही दिखाएगा, बस वो कंपस की निडल जैसी है ना हमारी बुद्धि हो जाती है। तुम्हें ताज के रेस्टोरेंट में बिठा दो या तुम्हें मॉल में ले जाओ या तुम्हें सत्संग में बिठा दो, तुम्हारी कंपस है ना हमेशा यही, इसी तरफ, कैसे परमात्मा की तरफ पहुंचना है ना, यही चिंतन चलता रहता है, बस वो कंपस निडल जैसा हाल हो गया। वो एक छोटे थे ना, ये 5 छोटा था अब तब का याद है, उसके लिए एक वो डॉल लाए थे, वो डारूमा डॉल होती थी ना, डॉल नहीं वो ऐसा, वो उसको घूंसा मारो ना वापस यहाँ आ जाता, हिट मी लिखा होता था उसकी नोज पे, तो मालूम है ना, नोज पर हिट मी लिखा होता था, उसे कितना भी हिट करो ना वो वापस सीधा के खड़ा हो जाता था। वो इतना मुझे तो बोध देके जाती है ये बातें, ऐसा सोचते थे क्या क्या है बताओ, दुनिया कितना भी तुम्हें हिट करे तुम वापस परमात्मा के सामने आके खड़े हो जाओ ना। तुम लोग खेले हो उस डॉल से कि नहीं, खेल नहीं ला के दी मम्मी लोगों ने, कहीं अभी मिलती हो तो बाजार में खरीद के लाना, बच्चों को देना, साक्षात
तुम्हें पता चलेगा, या नीडल तो देखी है ना, कहीं पर भी रखो, बस नॉर्थ नॉर्थ। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा जहाँ पर भी हो, बस उसे आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य हो, तो तुम्हारी प्रकृति पलट रही है। नहीं तो तुम करेले के करेले हो, तुम करेले। अब तुम ये मत कहना करेला अभी फ़ायदा तो बहुत करता है, डोंट से। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ? नहीं तो कहीं ये कुबुद्धि होगी ना, तो कहेगी करेला भी प्रभु फ़ायदा करता है। हाँ हाँ, परिभ्रमण का फ़ायदा करेगा तुम्हें, और कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। तुम्हारी बुद्धि बस एक ही दिशा में, कैसे मेरे अंदर से बाहर आए। तो परिवर्तन यानी घूम घूम कर पढ़ना, प्रक्रिया रिपीट। नंबर टू, वही बातें बोलना। क्योंकि देखो, खाली पढ़ने से क्यों नहीं चलता था, क्यों नहीं चलता? जो बात तुम बोल लेते हो ना, अब उसे करने के लिए तुम भी विवश हो जाते हो। जो बात तुमने बोल दी, मैं तुमको बोल दूं कि हमें है ना क्रोध नहीं करना चाहिए, अब ये बोलने के साथ ही इसको द्विलक्षी परिणाम होता है। तुम्हें बोलते ही मेरे भीतर भी इसकी एक मोहर छप जाती है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बोल, खाली पढ़ने से और सुनने से नहीं बात बैठती, पढ़ने और सुनने से तो तुम बोलने के लिए प्रेरित होने चाहिए। तुमने पढ़ा और सुना, उसका परिणाम ये होना चाहिए कि तुम बोलने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे ना, जो बात तुमने अपने मुंह से कर दी ना, वो बात अब तुम्हारे अंदर भी अपनी प्रतिछवि को छोड़ के चली गई, अपनी रिफ्लेक्शन उसने अंदर छोड़ दी। बहुत ज़रूरी है, इसलिए आ जाएगा धर्म कथा करना, अभी उसके अंदर भी लेंगे। धर्म कथा भी यही है, यहीं अभी बता देती हूँ। धर्म कथा यानी जो तुमने सुना है, जो तुम्हारे अनुभव में आ चुका है, सुनते 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 अब तुम्हारा अनुभव बन चुका है ना कि भाई क्रोध के बदले क्षमा में मज़ा है। जो मज़ा आता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता, वो तुम्हारा अनुभव बन गया ना। अब उसको घूम घूम के बोलो, धर्म कथा करो। क्योंकि जितना तुम बोलोगे ना, उतना तुम करने के लिए प्रतिबद्ध होते जा रहे हो। समझ में आ रही है? इसीलिए परिवर्तन और धर्म कथा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। परिवर्तन में भी घूम घूम कर पढ़ना और घूम घूम कर उन्हीं बातों को रिपीट करना। इसका परिणाम क्या है, क्या लिखा है? जीव क्या प्राप्त करता है? परिवर्तना, परावर्तना लिखा है इसमें। परावर्तना सेवा अक्षरों को उत्पन्न करता है। अक्षरों को उत्पन्न करता है यानी एक नई अल्फाबेट बनाएगा, पूरा नई बारह खड़ी खड़ी करेगा, क ख ग नए बनाएगा। नहीं, अक्षर यानी थॉट्स, विचार। विचार क्या है तुम्हारे? विचार क्या है? अक्षर ही तो है। विचार यानी शब्द, पिछले वाईएससी में बोला था ना, विचार यानी थॉट्स यानी कि वर्ड्स, और वर्ड्स यानी लेटर्स, शब्द। तो यह ऐसे थॉट्स अक्षरों को उत्पन्न करता है, यानी ऐसे विचारों को उत्पन्न करता है। बार बार परिवर्तना करने से उत्पन्न क्या होगा? शुद्ध विचार तुम्हारे भीतर, राइट क्वालिटी ऑफ थॉट्स। स्मृत को परिपक्व करता है और विस्मृत को याद करता है। जो ऑलरेडी पता है उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जो भूल गया है उसे याद करता है, सुख ऑब्वियस। तथा व्यंजन लब्धि को प्राप्त करता है। ये नई लब्धि तुम्हें प्राप्त होती है। ये व्यंजन लब्धि का अर्थ होता है, जो भी ज्ञान तुमने सुना है, समझा है, उसकी यदि तुमने परिवर्तना की है, परावर्तना की है, तो वो ज्ञान समय पर उपस्थित होता है। इसे व्यंजन लब्धि कहते हैं। जो भी ज्ञान तुमने गुरुओं, तुम कहोगे ना कि हमें बिल्कुल पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम आता है ना, हो ही जाता है, और होने के दो मिनट बाद याद आता है, ओ नो क्या कर डाला। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दो मिनट बाद याद आता है, बोल दिया, अब तो अपने झूठ के पीछे ही भागो। क्यों दो मिनट बाद याद आता है? दो मिनट भी नहीं, 20 सेकंड में याद आ जाता होगा, या अगले ही पल याद आ जाता है, लेकिन वो पल तो गया ना तुम्हारा। तो ये व्यंजन लब्धि की कमी है। व्यंजन लब्धि, व्यंजन का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना ज्ञान जो तुमने सुना है उसे समय पर लाना, ये ज्ञान का जोड़ना है। ज्ञान सुना बहुत है लेकिन वो समय पर कभी हाजिर ही नहीं होता। जब भी समय, दूसरों को समझाने के लिए बिल्कुल टाइम पर उपस्थित होता है, लेकिन अपने जीवन में वो प्रसंग आए तो बिल्कुल टाइम चला जाए उसके बाद भी उपस्थित होता है, तो मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। उसके बाद भी कोई टकोर करे तब उपस्थित होता है, तो तुम अभी पतित के पतित ही हो। तुम यानी आत्मा नहीं, लेकिन तुम्हारा मन और बुद्धि पतित का पतित है, पामर ही है। तो परावर्तना से क्या लाभ है? नंबर वन, थॉट्स, गुड थॉट्स को उत्पन्न करता है, अक्षरों को उत्पन्न करता है। नंबर टू, स्मृत को, जो याद है उसकी याद को और मजबूत बनाता है, और जो भूल गया है उसे वापस याद दिलाता है। और नंबर थ्री, व्यंजन लब्धि यानी जो भी सुना हुआ ज्ञान है उसे समय पर हाजिरी लगाने में मदद करता है। तुम्हारे भीतर ही क्यों, तुम्हें 2 सेकंड बाद ही याद आता है,
क्यों तुम्हें 5 मिनट बाद याद आता है? क्यों तुम्हें रात को लिखने के टाइम याद आता है? अरे रेमेडी ये नहीं, ये कर लिया होता तो क्यों? क्यों 10 घंटे बाद तुम रेमेडी लिखते हो कि नहीं? रेमेडी में तुम्हें क्यों 10 घंटे बाद याद आता है? अरे उसके साथ ऐसे नहीं और ऐसे बिहेव किया होता तो, क्योंकि व्यंजन लब्धि प्रकृति नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों तुम परावर्तना करते हो, तुम्हें त्यों संग संग, तुम्हें अपने जीवन से, मैं कहती हूँ ना, मुझे अब संग संग पता चलता है कि ये अब दिशा क्रोध की तरफ जा रही है। मुझे संग संग पता चलता है कि अब इसको यहाँ से घुमाना है। बस अक्षरों को इतना ही इस्तेमाल करना है। किसी को डांटना है तो अक्षरों से ही डांटना पड़ेगा ना, तो इतने ही अक्षरों से डांटना और यहां से यू टर्न ले लेना है, बिल्कुल अवेयरनेस है। तो ये कब प्रकट होती है? जब तुम परावर्तना करते हो। ये था 21 नंबर का सूत्र। इसके अंदर 22 है, लेकिन ऐसे 21 है तो मैं मालूम है नहीं, एक सूत्र आगे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो गाथाएं हैं वो एक आगे चल रही हैं और एक्चुअल सूत्र हमने इंडेक्स में से फॉलो किए हैं, वो सभी में एक जैसे हैं। जो आगे फर्स्ट पेज पर इंडेक्स है ना, 1 to 73, उसमें ये 21 नंबर है, इसलिए मैंने भी इसे 21 लिया है। क्योंकि पिछले सत्संग के बाद ही प्रकाश बुक ऐसा लग रहा था मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो मुझे बोल रहे थे आप 20 बोल रहे थे, था 21। मैंने कहा मैं समझा दूंगी, शायद इनका जैसा आप सबको तो नहीं है ना, आपको तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है ना कि प्रभु क्यों गिनती आगे पीछे कर रहे हैं। मैं गिनती ले रही हूँ जो फर्स्ट पेज पर इंडेक्स है ना उसकी। कौन सा नंबर का पेज है ये? जो पहला ये वाला पेज है, मैं इसकी गिनती ले रही हूँ। मैं गाथाओं की गिनती नहीं ले रही, क्योंकि गाथाओं की गिनती हर टीका में अलग है, किसी में एक आगे है, किसी में एक पीछे है। मैं सूत्रों की गिनती से बात कर रही हूँ। और वैसे तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या? कुछ फ़र्क पड़ता है? नेक्स्ट, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से जीव क्या प्राप्त करता है? इस टीका के अंदर खाली रिजल्ट की बात की है, लेकिन जो भी मेरा इतने सालों का अभ्यास है और जो भी शास्त्र आगम का की वाचना हुई है, उन सबके आधार पर, उन सबके सबको प्रमाणित रखते हुए मैंने ये प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस है ये भी तुम लोगों के लिए बाहर दिया है, क्योंकि परिणाम के लिए प्रोसेस जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं दोनों को पैरेलल चला रही हूँ। इन्होंने केवल क्या प्राप्त करते ये बात की है, लेकिन जो दूसरी टीकाएँ हैं उसके अंदर, उसके जैसे मधुकर मुनि की जो आप लोग लाए थे और आनंद आत्माराम जी महाराज साहब वगैरह की, उन सब के अंदर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया के बारे में भी लिखा है। तो उसी सबको क्लब करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अगेन, अनुप्रेक्षा किसे? प्रेक्षा यानी देखना। और जब भी किसी शब्द के आगे अनु वर्ड लगता है, इसका मतलब पीछे पीछे घूमकर देखना, पीछे पीछे घूमना। जैसे अनुचर, अनुचर किसे कहते हैं? सेवक, सेवक को कहते हैं ना, तुम्हारे मेड को अनुचर कहते हैं। वो अनुचर यानी जो तुम्हारे पीछे पीछे चरता रहे, जहाँ तुम जाओ तुम्हारे पीछे पीछे चरता रहे, वो अनुचर। ऐसे ही अनुभव, तुम कहीं पर भी जाओ पर जो अनुभव है वो तो तुम्हारे पीछे पीछे चलता ही रहेगा ना। तुम्हें सुख का अनुभव है तो वो तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेगा। तुम्हें किसी के प्रति रोष का अनुभव है तो वो पीछे पीछे, तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहे, उसे, उसके लिए अनु, अनु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अनुप्रेक्षा, अनु यानी पीछे पीछे, प्रेक्षा यानी देखना। तुम जो करते हो पीछे से उसे बस देखते रहो, देखते रहो। सबसे शायद आज मैं कहूँ ना तो इस 22वें सूत्र के अंदर संपूर्ण मोक्ष मार्ग आ जाएगा। तुम अटेंटिव तो हो ना, बिल्कुल ध्यानपूर्ण सुनने को तैयार हो ना, क्योंकि मैं 3 बातें करने जा रही हूँ अभी तुमसे अनुप्रेक्षा को लक्ष्य में लेके। तुम बाद में लिख लेना, तुम YouTube पर जब देखो तब वापस लिख लेना, तुम YouTube ना हो तो पाद प्रभु से CD लेके लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं रही ये बातें, केवल तुम्हें इसे ध्यान से सुनना है कि अब तुम्हें करना अनुप्रेक्षा क्या है। क्योंकि कुछ ये कौन से होते हैं 13 पंथी, उन लोगों के लिए तो अनुप्रेक्षा ही पूरा मार्ग है, पूरा मार्ग केवल अनुप्रेक्षा की ही बातें करते हैं। वो लंबी पट्टी वाले जो होते हैं ना, हमारे 13 पंथी बोलते हो ना, 13 पंथी जो साधु साध्वी होते हैं, उनको हर बात में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा को ब्रॉडली कहूँ तो इट इज इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कंटेम्पलेशन, बस अंदर भीतर अपने जाग के देखना। जब तक तुम अपने कृत्य को देखते नहीं हो तब तक उसकी प्रकृति बदलती नहीं। और देखना किस तरह से है, किस तरह से देखना है? देखने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला, थोड़ी देर कहीं पर भी तुम एकांत लो, बैठो 10 मिनट के लिए बैठो। ध्यान का ही प्रयोग मैं कहूँगी तुम्हें अगर तो, 10 मिनट के लिए ही बैठो। उस बैठने के अंदर कोई भी अवलंबन लो, कोई भी, तुम श्वासोश्वास का अवलंबन ले सकते हो। तुम्हें मन करे तो ये वाला क्या बोलते हो इसको तुम, अनुलोम विलोम, और क्या क्या बोलते हैं वैसे इसको,
जो भी है तुम इस वाले का भी ले सकते हो, कोई भी तुम्हारे श्वासोश्वास का ये वाला अवलंबन, पेट वाला जो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मेरे को बहुत समझ में आता है, वो ले सकते हो। तुम त्राटक कर सकते हो सामने किसी ज्योति को रख के, तुम किसी जप के ऊपर कोई जाप कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे ओम अरहम कर सकते हो, सहजात्म स्वरूप परम गुरु कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हारे मन की एकाग्रता बुद्धि से हटकर कहीं और लग जाए, ऐसा काम करना है। फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, अनुप्रेक्षा जब करनी है तो उसके तीन स्टेप्स हैं, तीन लेवल्स हैं। नंबर वन, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, तुम्हारे विचारों की जो मात्रा है, मात्रा उसको कम करना है। विचार कहाँ चलते हैं, यहाँ एक ही जगह है, विचारों के चलने की और कोई जगह नहीं है, यहाँ तुम्हारे ब्रेन के अंदर, बुद्धि के अंदर निरंतर विचार चलते जाते हैं। वहाँ से अगर यदि विचारों की मात्रा को, जैसे मैं कई बार कहती हूँ 60,000 विचार चलते हैं ना, तो 60 के 60,000 काम के, तुम्हें पता भी नहीं है कितने काम के कितने नहीं काम के, बस लेकिन वो विचारों की भीड़ भागती रहती है। तुम्हें यदि उस क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, उसे कम करना है, तो सबसे पहला काम है 10 मिनट रोज डेली कहीं आँख बंद करके बैठो, और कोई भी आधार लो, तुम्हें मेरी तरह पेट का फूलना और वापस आना अच्छा लगता है वो लो, तुम्हें ये वाला अच्छा लगता है श्वासोश्वास को यूं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन जो भी करके तुम वो लो, तुम्हें कोई भक्ति अच्छी लगती है तो तुम भक्ति गाओ, लेकिन अपनी बुद्धि से डिटैच हो जाओ। जैसे मैं अपूर्व अवसर गाती हूँ तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर अपनी बुद्धि से डिटैच हो गई हूँ और मैं कृपाणु देव की तरह सोचना मैंने शुरू कर दिया। उनकी जो भावना है, अपूर्व अवसर क्या है, उन्हीं की भावना है, तो बस मैं भी उन्हीं की भावना से चल रही हूँ। अब भी कोई गजा नहीं है, वो लिखते हैं ना, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो, तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रहो प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप। ऐसा बिल्कुल मुझे आखिरी में आते आते तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, हालांकि अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है कि मैं उस अरिहंत और सिद्ध पद पर पहुँच पाऊँ, लेकिन मुझे पता है आपकी आज्ञा में रहूँगी ना तो बिल्कुल पहुँच जाऊँगी, ये निर्णय पक्का होता है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़कर मैं अपूर्व अवसर की जो भक्ति कई बार बैठ जाती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार मैं अपने पूजा घर में बैठी होती हूँ और आराम से गा रही होती हूँ, इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर अपनी क्षमता का भरोसा छोड़कर उन्होंने जो कहा ना उसके पीछे पीछे भागना, अनुप्रेक्षा, उसी बात को देखना। तो तुम्हें जो भी पसंद आए, मैं तो सारे ही देखती हूँ, मैं ये अनुप्रभु वाला योगा भी कर लेती हूँ जब मन करे, मेरी जो भी भूमिका है उसके, मुझे ये पेट फुलाना, पेट अंदर लेना, पेट फुलाना अंदर लेना, और पूरा उपयोग हमारा पेट के हिस्से में रहे, ये मेरे ही शब्द मेरे मन में गूंजते रहते हैं, ये भी करती हूँ मैं जब भी कर सकती हूँ, कभी कभी मुझे कोई भी झाप लेकर भी मैं अपने आप को स्थिर कर लेती हूँ, कभी कभी जैसे कोई कृपाणु का चित्रपट, उनकी मुद्रा देख कर, या हम लोगों के यहाँ स्फटिक की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को देखकर बस उसकी जो शुद्धता है उसके प्रति का ऐसा त्राटक हो जाता है कि वो बुद्धि से डिटैच कर लेते हैं। काम एक ही करना है मुझे, बुद्धि से थोड़े क्षणों के लिए डिटैच होना है। मैं माध्यम कुछ भी लूँ, माध्यम कुछ भी लूँ, तुम कहोगे तो मार्केट में चले जाए, नहीं, वहाँ तो तुम्हारी बुद्धि राग और द्वेष में लगी रहेगी ना, ये अच्छा है, ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना, ये बिल्कुल बेकार है, नहीं वो नहीं। तुम या तो किसी भक्ति में जाओ, नंबर वन, या तुम मेरे बताए हुए प्रयोग में आ जाओ, सांस फूल रहा है, वो पेट फूल रहा है, वापस आ रहा है, या तुम किसी भी योग इसमें चले जाओ, या फिर तुम किसी भी जप में चले जाओ, तुम किसी भी साधन में जाओ, तुम्हारा काम इतना है कि थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को छोड़कर कहीं और अपना कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को पुट फॉरवर्ड करना। जैसे ही तुम अपनी एकाग्रता को दूसरी जगह पर लगाते हो, उसका परिणाम ये होता है कि जो थॉट्स की क्वांटिटी, भीड़ चल रही है ना, वो कम हो जाती है। दिस इज़ द रिजल्ट। थॉट्स की जो क्वांटिटी, जो जत्था थॉट्स का भर के चल रहा है ना, जैसे ही देखो वो थॉट्स आ ही इसलिए रहे इतने ज़्यादा क्योंकि तुम्हारा भी उसको पुश मिल रहा है, तुम्हारे अपने मन यहाँ है ना, तुम तैर रहे हो नदी में, तुम तैर रहे हो, नदी की एक धारा है, साथ में तुम भी उसको पुश करो तो और ज़्यादा फोर्स आएगा कि नहीं नदी में। इसी तरह ये बुद्धि भी तुम्हारी एक नदी की धारा है, उसमें ऑलरेडी फोर्स में पानी चल रहा है, उसमें तुम अपनी बातें घुसाते जा रहे हो, इसलिए वो फोर्स बढ़ता जाता है, हर क्षण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए तुमने
अपने थॉट्स को कहीं और फोकस कर दिया, समझो पेट वाले हिस्से में, मैं तो इस प्रयोग से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं पेट में अपना उपयोग ले आती हूँ और वो फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, ये काम चल रहा है, तो अब क्या हो गया, नदी तो बह रही है लेकिन तुम्हारा हाथ पैर मारना उस नदी में बंद हुआ तो नदी की रफ्तार कम होगी कि नहीं? नदी थोड़ी देर में अपने आप हो सकते शांत भी हो जाए, और वैसे होती है ना, तुम देखते हो ना कभी नदी बह रही है एक अपने सुर में, लेकिन कहीं कोई जोर की नाव पछाड़ता पछाड़ता आता है तो नदी का सुर पलट जाता है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में रोज के इकट्ठे किए हुए राग द्वेष वाले 60,000 थॉट्स तो चल ही रहे हैं, ऐसे में तुम भी उसमें साथ में अपने राग द्वेष के पतवारे पछाड़ते जा रहे हो तो उस बुद्धि की का हाल क्या होगा जो हो रहा है तुम्हारा लोगों का? करना क्या है, अब वहां से अपना उपयोग दूसरी जगह लगाना है, तो वो जो चल रहा है ना उसका जो फ्लो नेचुरल वो चलेगा, लेकिन अब तुम्हारी उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन थी, कंट्रीब्यूशन तुम उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारी बंद हो गई थोड़ी देर के लिए। पहला काम क्या करना है, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, तुम्हारे विचारों की मात्रा को कम करो। मात्रा को कम करने के लिए ही कोई ना कोई आधार अवलंबन लिया जाता है, तुम्हें जो पसंद हो, तुम्हें भक्ति पसंद है तो थोड़ी देर अपनी बुद्धि को छोड़कर अरे कृपाणु ने क्या बोला, अरे वाह क्या बोला, कैसी बात कर दी, बस वो सारी बातें चलती रहे, या फिर श्वासोश्वास का ले लो या त्राटक कर लो, जो करना है तुम्हारी मर्जी। दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, अनुप्रेक्षा के लिए प्रक्रिया समझा रही हूँ मैं तुम्हें, परिणाम तो इसका बहुत ही अच्छा है। दूसरा काम क्या करना है, जब तुम्हारी क्वांटिटी कम हुई तो अब जो विचार है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना है, क्वालिटी, क्योंकि तुम्हारे विचारों में कितने ही व्यर्थ के विचार हैं, एकदम उसने मुझे ऐसा कहा था ना, अब ना कल मिलेगा ना तब मैं उसको ऐसा कहूँगा, तो अब यहाँ क्वालिटी को तुम्हें चेंज करना है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं कहना, जो उसने कहा वो कह दिया, अब मेरा काम है शांत शांत स्वरूप में रहना, तुम्हें अपनी क्वालिटी को बदलना है, ये सेकेंड काम है। रोज रात को बैठ के तुम कर सको ना तो ये प्रयोग करो, इस बार मैं डालने की सोच रही हूँ नित्यक्रम में कि ये प्रयोग ज़रूर करो कि आज के पूरे दिन में खूब थॉट्स आए होंगे, रोज रात को बैठ के सबसे पहले अपने आप को डीफोकस करो, दूसरी जगह पर फोकस करो, यानी डीफोकस यानी दूसरी जगह स्वयं को फोकस करो। दूसरा काम क्या करना है, तुम्हें तुरंत याद आएगा तुम्हारे उस दिन के जो भी मेजर नॉट ऑल, कि आज इसके प्रति ना थोड़ा मन मुटाव हो गया, आज इसको ना ऐसे थोड़ा जोर से बोल दिया, तुम्हें जो भी तुम्हें उस दिन का 2-3-4 तुम्हें दिखते हैं ना उसकी क्वालिटी को बदलो कि अब नहीं, अब ना ऐसे मुझे उसको नहीं, उसको कुछ नहीं कहना। और नंबर 3, अब अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दो। ये पूरी प्रक्रिया को मिलाकर अनुप्रेक्षा कहा जाता है। डायरेक्शन यानी अब उसे दिशा दो, दिशा। जैसे दिशा देने का मतलब ये होता है, तुमने आज के दिन में किसी के ऊपर क्रोध किया, रात को बैठकर इस क्रोध की व्यर्थता को जानो कि ज़रूरत क्या थी। ठीक है, ज़रूरत थी क्रोध करने की, तो इतना लंबा क्रोध करने की ज़रूरत क्या थी? क्रोध का रोल भी किया जा सकता था, या फिर वो 2 घंटे के बदले 1 घंटे तक भी लाया जा सकता था, या अगर 2 घंटे का करना ही है तो डिटैच रहकर किया जा सकता था। तुम टोटली देखो कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम इस प्रकार के क्रोध के बदले दूसरे प्रकार का कोई क्रोध भी इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन, अपने आप को एक दिशा दो कि अगली बार है ना जब भी आएगा ना तो अब मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से रोल करना है, इस तरह से नहीं इस प्रकार से बिहेव करना है। क्योंकि तुम्हारे माइंड को तुम ही नहीं बदलोगे तो कौन ईश्वर आके बदलने वाला है? मैं तो केवल तुम्हें समझा सकती हूँ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम ही नहीं करोगे तो कोई ईश्वर आकर बदलने नहीं वाला। तो प्रक्रिया बहुत सामान्य है अनुप्रेक्षा की, सामान्य तो नहीं कहूँगी, प्रक्रिया बस इतनी ही है। नंबर 1, सबसे पहले थॉट्स की मात्रा को कम करो, उसके लिए उपयोग को किसी दूसरी जगह जोड़ो, ले जाओ। और मुझे सबसे अच्छा लगता है श्वासोश्वास का निरीक्षण, और कोई साधना होती नहीं, बस श्वासोश्वास देखते देखते तो कहाँ सरक जाना हो जाता है। जो अगर तुम्हारा ध्यान, तुम कहोगे सरक तो हम भी जाते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो, नींद में सरक तो हम भी जाते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान यदि तुम्हारा सही हुआ है ना तो उठ के तुम्हें बिल्कुल पता होगा कि तुम नींद में नहीं गए, उठ के क्या हुआ ना ये भी तुम्हें नहीं पता होगा, यू आर इन द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। जिसको भी अनुभव हुआ है ना, अगर तुम कहते हो हमें आज ना बहुत बढ़िया ज्योति दिख गई, इट वॉज नॉट नथिंग, ज्योति मतलब अ थिंग, इट वॉज नॉट नथिंग। अगर 1.5 घंटा आप ध्यान के क्षणों में रहे हो, 1.5 घंटा ध्यान किस प्रक्रिया में, ध्यान
कि किसी अवस्था को प्राप्त किया है, मतलब एक्चुअली स्टेट ऑफ नथिंगनेस, बिल्कुल। और वही ध्यानी व्यक्ति जब अपनी कार्य फील्ड में आता है, अपनी वर्क फील्ड में आता है, तो उसके पास वर्क फील्ड में क्या है? मन, वचन और काया। काया से अपना कर्तव्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म। वचन से जितना भी आवश्यक है उतना बोलता है, और मन में प्रभु के प्रति का प्रेम और अहोभाव और मिलन की आतुरता वही होती है। उसका मन, वचन और काया तीनों बड़े सिंक्रनाइज फॉर्म में चलते हैं। आंख बंद है उसकी तो वो कहाँ है? स्टेट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं होता। तुम लोग कोई भी ऐसे भ्रांति में मत रहना कि हमें बहुत बड़े परमात्मा दिख जाएंगे, बहुत बड़ी ज्वाला दिख जाएगी। कुछ होता है तब तक तुम नहीं पहुँचे, स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और हाँ, वो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक भी रहती है, अपने अनुभव से कहती हूँ। दो दो घंटे तक भी यू आर इन द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। आँख खुलती है ना, पता चलता है अरे दो घंटे हो गए। सबसे पहले तो साल दो साल पहले तक था, सबसे पहले तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी कहीं मैं सोई तो नहीं। फिर मैं क्वेश्चन देखती थी घड़ी की घड़ी खराब तो नहीं हो गई। फाइनली पता चला नहीं ऐसा हो रहा है आजकल कि दो दो घंटे तक समय, जब आंख बंद हुई 10:30, आंख खुली तो 12:30, कहाँ थे हम? सोए नहीं, पक्का पता। इतनी तो बुद्धि है ना हमें, हाँ तुम बोलो इतनी तो बुद्धि है कि नहीं? दो घंटे में सोई नहीं, मुझे पक्का पता है। घड़ी खराब नहीं, वो भी मैंने बैटरी देख ली, तो फिर कहाँ थे? आई वॉज समवेयर, मीन्स आई वॉज इन द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और उसके रिपरकशंस तुम्हारे जीवन में पड़ते हैं। तो तुम अवलंबन कोई भी लो, तुम्हारा कार्य केवल इतना ही होना चाहिए, क्या? थॉट्स की क्वांटिटी को कम करना है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना है कि अब क्रोध के बदले क्षमा, और उसके बाद उसको एक दिशा दे देनी है कि आगे से कभी भी ऐसा होगा तो मुझे यूं ही करना है। तुम पहली बार में सफल नहीं होगे, मैं भी जानती हूँ, मैं भी नहीं हुई। सालों इस साधना को करने के बाद तुम्हें लगेगा ना, लोग बोलते हैं हम साधना करें, क्या साधना करते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, यही साधना करते हैं। तुम्हें लगे कोई मंत्र होगा हमें भी दे दे, हम हाँ मंत्र से भी करना तो फाइनली यही है। मैंने तो मंत्र का ऑप्शन दिया ना, मैंने ऑप्शन दिया ना तुम्हें मंत्र का। तो जो लोग बोलते हैं ना हम साधना कर रहे हैं, वो खाली मंत्र रट रहे हैं ना, तो वो एक्चुअल साधना नहीं है। हम मंत्र का आधार लेके ये तीन कृत्य हो रहे हैं, तीन कृत्य। नंबर वन, तुम्हारे थॉट्स की मात्रा कम हो रही है। नंबर टू, तुम्हारे थॉट्स की क्वालिटी अपग्रेड हो रही है, सतोगुण वाली क्वालिटी आ रही है, वो जो क्रोध के बदले क्षमा, कामना के बदले निष्कामता, ये सारी क्वालिटीज आ रही है, अशांति के बदले शांति, तो ठीक है। और नंबर थ्री, तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स होती जा रही है कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे तो यही करना है, मतलब तुम्हारी प्रकृति पलट गई। इतना लंबा प्रोसेस है, ये साधना ही है। वो वहाँ जनक कह रहे हैं ना कि बस मैं तो यूँ, उनके झांसे में मत आ जाना तुम, क्योंकि वो जनक प्रकृति पलटने के बाद से ये बातें कर रहे हैं। उनकी अनुप्रेक्षा पराकाष्ठा पर, पीक पर पहुँच चुकी है, फिर ये सारी बातें हो रही है। और हमारी अभी अनुप्रेक्षा पीक पर नहीं पहुँची ना, इसलिए हमें तो नीचे से कदम दर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा, समझ पा रहे हो ना? इसलिए जनक भी झूठे नहीं है और हम भी झूठे नहीं हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर खड़े रहकर बातें कर रहे हैं। कोई 20 मंजिला मकान है और 19वें मंजिल से बात कर रहे हैं तो क्या कहेगा? एक ही तो मंजिल है। और कोई नीचे खड़ा है, 20 मंजिल चलनी है, तुम्हें अभी 20 मंजिल चलनी है। कोई भी इस भ्रांति में मत आ जाना कि इन सत्संगों को सुनकर हमने तो 20 क्या, हमने तो 40, तुमने 20 मंजिली इमारत का ना 40वां मंजिल चढ़ ली। भ्रांति है, भ्रांति में तो कुछ भी हो सकता है। 20 फ्लोरीज ऑफ बिल्डिंग और तुम कहोगे हम तो 60वां फ्लोर चढ़कर आए, अरे है ही 20 फ्लोर। इसलिए तुम बिल्कुल जागृत रहना, तुम्हें हर क्षण ये तीन काम ही करने हैं। पहले तो तुम इसे रात को ही करो, तुम्हारे पास हर क्षण करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बनता जाएगा। क्या करना है? नंबर वन, थॉट्स की मात्रा को कम करना है, और मात्रा को कम करने के लिए साधना मैं बता रही हूँ। साधना क्या है? श्वासोश्वास, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो त्राटक भी बहुत अच्छा लगता है, त्राटक करना हो तो त्राटक करो, जो भी अच्छा लगता है। मुझे तो ये महारास आने वाला है ना अभी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तुम रास करते करते नाचते नाचते तुम्हारी ऊर्जा इतनी सक्रिय हो गई, और उसके बाद उस सक्रिय ऊर्जा को कहाँ डिपॉजिट करना है वो हम बताएंगे। सब कुछ अभी यहीं बता दूँ, वहाँ जाके बताऊँगी कि सक्रिय हुई ऊर्जा को अब इन्वेस्ट कहाँ करना है। और वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है तुम्हें किसी मौन क्षणों में ले जाए, हो सकता है, जैसी तुम्हारी तैयारी। तो पहला कार्य मात्रा कम करनी है। मात्रा कम करने के लिए प्रक्रिया क्या है? कहीं और लगाओ।
दिन में ना तुम लोगों को तो कहती हो, तुमसे तो मैं बातें ही नहीं कर रही, तुम लोगों को मैं बोलती हूँ दिन में 10-10 मिनट का ये प्रयोग कर सकते हो तुम लोग घर पर जो लोग होते हैं। अभी तुम्हारे कुकर की सीटी बज रही है ना, अभी सब्जी रखी है ना 10, आजकल सरसों का साग बनाने में तो आधा घंटा वैसे ही लगता है, उसको पकाने में आधा एक घंटा लगता है कि नहीं, तो वो पक रहा है ना उतनी देर 10 मिनट बैठ कर तुम लोग कर सकते हो कि नहीं। खाली बस अपने फूलते सिकुड़ते पेट को देखो, मेरा अनुभव अगर मैं तुम्हें कहूँ, और तुम्हें मुझसे प्रेम होगा ना तो मेरी साधना तुम्हारी साधना बड़ी जल्दी बन जाएगी। वाईफाई है, बहुत ढंग है, मैं ये नहीं कहती कि यही चार ढंग है, बहुत हजारों ढंग है, लेकिन यदि तुम्हें प्रेम होगा तो वाईफाई ट्रांसफर है, अलाउड है प्रेम के अंदर। और उस वाईफाई ट्रांसफर में मैं तो तुम्हें सीधा बता रही हूँ, मैंने यही साधना सबसे ज़्यादा की है, विपश्यना, जैसे लोग तुम्हारी भाषा में जिसने सुना हो ये शब्द विपश्यना कहते हैं, विपश्यना देखना, विपश्यना भी क्या अनुप्रेक्षा ही तो है और क्या है, उसमें श्वासोश्वास को देखना है। इसमें हम लोग थोड़ा आगे की पूरी साधना बता रहे हैं। तो क्या करना है तुम्हें, या तो प्राणायाम या फिर विपश्यना या भक्ति या त्राटक, जो तुम्हें रस में आए। 10-10 मिनट तुम लोग कर पाओगे, होमवर्क दे दो तुम्हें, तुम लोग वैसे ही बड़े सफ़ेद सफ़ेद दिखते हो, तो तुम लोग और सफ़ेद हो जाओगे सच में। आज ही टीवी देख रहे थे तो उसमें डव की ऐड आ रही थी, तो उसमें था कि योर स्किन इज़ ग्लोइंग इज़ इट लव, तो उसने बोला नो आई थिंक इट इज़ डव। अब तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी तो आई विल से इट्स नॉट डव, इट्स सत्संग एंड लव। यस, हम वापस आएंगे। मैं तो कहती हूँ ना, इट्स रिटर्न जर्नी, वो लव से डव पर पहुँची, हम डव से लव पर आएंगे, ऐसे ही हम ग्लो करेंगे और ग्लो करते हैं। मैंने तो देखा है इन सब, ये काले में से सफ़ेद कैसे हो रहे हैं आपके घर के लोग, ललित प्रभु समझ ही नहीं आता। आप तो गोरे ही थे शायद शायद पहले से। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, अनुप्रेक्षा यानी सबसे पहली प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले विचारों की मात्रा को कम करना। मात्रा को कम करने के लिए साधना यही होती है और कोई साधना नहीं है। तुम जप का आधार ले सकते हो, तुम त्राटक कर सकते हो, तुम प्राणायाम कर सकते हो, तुम श्वासोश्वास देख सकते हो, तुम भक्ति कर सकते हो, और भी बहुत है लेकिन इतनी एनफ है। इससे क्वांटिटी कम होगी, इससे क्वालिटी बदलेगी, और इससे तुम्हें अपने आप को एक दिशा देने का निर्णय होगा। और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये तो अद्भुत है। फ़ायदा क्या है, अनुप्रेक्षा से वह आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गाढ़ बंधन से बंधी हुई प्रकृतियों को शिथिल बंधन वाली कर देता है। जो भी है इसमें जो लिखा है, चलो पूरा ही पढ़ दूँ, उनकी दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन कर देता है, उनके तीव्र अनुभव को मंद कर देता है, उनके बहुप्रदेशाय में प्रदेश आग्रह में बदल देता है। आयुष्य कर्म का बंध कदाचित करता है, कदाचित नहीं भी करता। साता वेदनीय कर्म का बार बार उपचय नहीं करता और अनादि अनंत लंबे मार्ग वाली तथा चतुर्गति रूप 4 अंतों वाली संसार अटवी को तुरंत ही पार करता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ, देखो संसार अटवी को पार, पूरी साधना मार्ग इसी में बताया है। जैन तत्व दर्शन कहता है कि तुम्हारे आत्मा की अनुभूति में और तुम्हारी अभी की अवस्था में बाधा बीच में है तो है कर्म। 8 प्रकार के कर्म बताएं, मूल तो बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर उन्हें छोटा कर दिया जाए तो 8 कर दिया, उसमें भी छोटा कर दिया जाए तो और वो करते हैं, लेकिन ये 8 प्रकार के कर्म जो है ना, वही मूल रूप से बाधा है तुम्हें अपने मूल स्वरूप को अनुभव करने में। अब वो 8 कर्म, मुझे अभी कर्मों के डिटेल में नहीं जाना, ये उसका टॉपिक नहीं है। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अनुप्रेक्षा करने से जीव क्या प्राप्त करता है। अनुप्रेक्षा करने से कर्म की प्रकृति, प्रदेश, रस और स्थिति, इन 4 चीज़ों में फ़र्क आता है। प्रकृति पलट जाती है, कोई भी कर्म, जैसे तुम कोई भी कर्म बांधते हो ना, समझ लो ना तुम यहाँ बैठे हो और अचानक तुम्हें क्रोध आया और तुम धड़ 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 उठे, और उठे इसलिए तुमने ज़ोर से यहाँ पर शास्त्र पढ़ा था, शास्त्र पर पैर मारा और आगे निकल पड़े। ऐसा होता है ना, गुस्से में अभी नहीं करोगे लेकिन कभी तो किया होगा ना, या किसी को ज़ोर से, जिसके प्रति गुस्सा है उसे ज़ोर से पैर मार के निकल गया, हमारा फिजिकल एंगर होता है ना, जोर से हाथ मार दिया, पैर मार दिया, तो ये तुमने ज़ोर से जो पैर मारा ना उस व्यक्ति को जो ज़ोर से पैर मारा ना, कर्म की प्रकृति तुरंत वहीं के वहीं निश्चित हो गई। प्रकृति कौन सी कर्म है, कौन सा कर्म है ये। दूसरा, तुरंत उसी समय कितने प्रदेश को पकड़ेगा,
जब ये कर्म उदय में आएगा तो कितने प्रदेश को, चूंकि तुमने पैर से मारा है ना, तो अब तुम्हारे पैरों में दर्द कराएगा, ये तुम्हारे सिर में नहीं कराएगा। तुमने पैर से उस व्यक्ति को मारा है ना, तो तुम्हारे पैरों के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने शास्त्र को ठोकर लगाई है तो तुम्हारे ज्ञानावरणीय के अंदर जाएगा, और मोनिया में तो जाएगा ही, तुम्हें ज्ञान कहीं चढ़ेगा ही नहीं। तुम घंटों सुन लोगे फिर भी तुम कहोगे हमें तुम सब भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, पूछो तब जैसे थे वैसे के वैसे, क्योंकि तुमने अभी शास्त्र को ठोकर मारी है या किसी सत्पुरुष के प्रति तुमने कोई अविनय किया है, कुछ भी ऐसा किया है ना, जिससे किया है, तुमने मन से किया है, वचन से किया है या काया से किया है, उस प्रदेश को वो पकड़ेगा। इसलिए हो सकता है तुम बाहर से बहुत स्वस्थ हो, कल ही तुम्हारी मेल थी ना मेरे को, मैं क्यों कभी बीमार नहीं पड़ती। तुम कभी लो, यहाँ पे लोग पूछने आते हैं मुझसे, हम बीमार पड़े हैं हम कैसे ठीक हो जाए, इन महारानी का मेल आता है कि मैं कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती। पूरे राज परिवार में सब बीमार पड़ते हैं कभी ना कभी, इवन आप भी पड़ते हो, और आप लिखते कहते हो हमेशा कि जितना ज़्यादा ये सब कर्म के उदय आएंगे उतना हम अपने मंजिल के निकट जा रहे हैं। तो क्या मैं अपनी यात्रा में ही शुरू नहीं हुई, क्योंकि मैं ये एक ही है महारानी जो कभी बीमार नहीं पड़ती, और वैसे टच वुड इसके लिए। तो क्या सिस्टम क्या है ये भाई, ये सिस्टम इतना ही है कि तुमने कभी ज्ञानी की या किसी व्यक्ति की अशातना नहीं करी, नहीं करी इस जन्म में, और पूर्व में भी करी भी होगी तो मंद मंद है, तो तुम्हें थोड़ा दांत दर्द होता है और ख़त्म हो जाता है, बात ख़त्म। कुछ लोगों को दांत का दर्द होता है इतना ज़्यादा कि वो दर्द सहन नहीं होगा, इतने इंजेक्शन खाएंगे और पता चलेगा दर्द दांत का नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ सिर में थी कोई। ऐसा भी तो होता है कितनी बार, हाथ काट दिया पता चला प्रॉब्लम तो हार्ट में था और हाथ कटवा के आ गए, दर्द हो रहा था हाथ और प्रॉब्लम था हार्ट के अंदर, या दर्द हो रहा था यहाँ और प्रॉब्लम था सर्वाइकल का, तुम्हें पता ही नहीं चलता कितनी बार। आजकल तो बड़ी जनरल से दुविधा हो गई है। तो तुम जिस प्रकार से कर्म करते हो ना, समझो तुमने क्रोध के अंदर शास्त्र को थोड़ा अविनय कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ ये शास्त्र बहुत संभाल के रखना। इसलिए सबसे पहले तुम्हारा ज्ञानावरणीय सबसे ज़्यादा तो बंधा ही बंधा, मोहनीय भी बंधा, दर्शनावरणीय यानी श्रद्धा भी तुम्हारी अब बड़ी अविचल अविचल होगी। तुम किसी पर भी संपूर्ण श्रद्धा ना कर पाओगे, ऐसे लोग होते हैं ना, सालों तक सत्संग सुनेंगे लेकिन संपूर्ण श्रद्धा नहीं होती, उन्हें लगता है नहीं कभी ये बिगड़ जाए तो, कभी इसको कुछ हो जाए तो, इसलिए श्रद्धा ही नहीं कर पाते। ये होता क्यों है, ये प्रकृति आई कहाँ से, क्योंकि तुमने वहाँ पर ज्ञानावरणीय का, दर्शनावरणीय का, मोनीय का, असाता का सबका बंध किया था। तो सबसे पहले तो तुम कर्म करते हो ना, तो उसकी प्रकृति का निर्णय हो जाता है कि जब ये कर्म उदय में आएगा तो किस प्रकृति में आएगा, ज्ञानावरणीय में आएगा, श्रद्धा में आएगा, तुम्हारे मोह के अंदर प्रगाढ़ता आएगी, क्या आएगा वहीं के वहीं निर्णय हो जाता है। दूसरा, वो कितने प्रदेश को घेरेगा, दर्द खाली पैरों में होगा कि पूरे शरीर में होगा, दर्द खाली सिर में होगा कि छाती में भी होगा। कईयों को जुकाम होता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता, और मेरे जैसे को जुकाम होता है तो सिर से लेकर छाती तक सब कुछ दुखता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कर्म बंध इस प्रकार से हुआ है तो इस प्रकार से उदय में आ रहा है। कितने प्रदेश यानी तुम्हारे शरीर के कितने भाग को घेरेगा, समझ में आ रहे हो, आ रही है बात। एक, सबसे पहले तुमने जैसे ही कोई कृत्य किया उसकी प्रकृति का निर्णय हो जाएगा, ये तुम्हारे ज्ञान में बाधा पहुंचाएगा। तुम किसी को सत्संग में आते हुए अटकाते हो, समझ लो तुमने किसी को सत्संग में आते हुए अटकाया, तुमने किसी को अच्छे काम करने से अटकाया, दान देने से अटकाया, सीधा तुम्हारा ज्ञान और दर्शन का आवरण आ गया। ज्ञान और दर्शन, श्रद्धा तुम्हारी कभी भी स्थिर नहीं होगी, और जब तुम्हारी श्रद्धा ही स्थिर नहीं होगी तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या, तुम्हें अनुभव होगा क्या, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है कहाँ खाना खाने जाना है, कलेवा में जाना है, सिटी पार्क में जाना है या ताज में जाना है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है कि कहाँ तुम्हें खाना अच्छा मिलेगा। अब तुम भूखे के भूखे रहोगे कि नहीं रहोगे। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर भी जब तक तुम्हारी श्रद्धा ही दृढ़ नहीं है कि यही संत है और मेरा इससे ही काम होगा, दुनिया के लिए चाहे कोई भी हो, दुनिया के लिए हो सकता है तुम्हारा संत दुनिया का शैतान हो सकता है, डॉन है भाई वो, कहीं का शैतान भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें निर्णय हो जाए ना मेरे लिए तो इनके वचन आगम समान है, तो तुम चलना शुरू कर देना। नहीं तो ये श्रद्धा जितना धोखा देती है ना उतना तो कोई भी धोखा नहीं देता। श्रद्धा तुम्हारी अविचल होनी चाहिए। तो जब भी तुम कोई कृत्य करते हो, किसी को आने से अटका रहे हो, कुछ शुभ करने से अटका रहे हो, उसको अवनी को लगाना है ना पूरे घर में, लगाने दो, शुभ करने से अटकाओ मत उसको, क्योंकि जहां तुमने अटकाया ना अब तुम्हें अटकाने के लिए कहीं ना कहीं कर्म प्रकृति पैदा हो गई। अंतराय कर्म है, आपने अंतराय लिया किसी का तो दूसरा आपको अंतराय देगा ही देगा, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो परिस्थितियां भी हो सकती है, परिस्थितियां भी तो अंतराय देती हैं।
तुम सत्संग में आने के लिए निकले और इतनी तेज बारिश हो गई और गाड़ी खराब हो गई, ऐसा भी तो होता है कई बार, यहाँ तक आके गाड़ी खराब हो गई और फिर नहीं आओगे, परिस्थितियाँ भी धोखा दे जाएंगी। तुमने अंतराय लिया किसी का तो नंबर वन प्रकृति अंतराय में जाएगा, प्रदेश कितने प्रदेश को घेरेगा, कितने तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को घेरेगा, तुमने हाथ पांव यूज किए हैं तो हाथ पांव को लेगा, तुमने मन से किया है तो तुम्हारे मन को संतप्त रखेगा, मन को हमेशा, अब तुम शरीर से बीमार नहीं होती लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो अंदर में हमेशा उलझन उलझन कंफ्यूजन रहती है ना, वो भी क्या है, यही तो है मन का दुख, मन का ताप, मन से वचन से काया से कहीं ना कहीं वो दुखी होगा। तो सबसे पहला क्या, प्रकृति। नंबर टू, कितने बॉडी पार्ट को, यानी मन को घेरेगा, वचन को घेरेगा या काया को भी घेरेगा, किसको घेरेगा। नंबर थ्री, उसका रस कैसा होगा। तीन जनों को सिर दुख रहा है, तीनों के रस अलग अलग होंगे कि नहीं, रस मतलब उनकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी अनुभाग कहते हैं इसमें, तीनों का रस अलग अलग होगा। एक को बहुत तेज सिर दुख रहा है, तीन गोलियां पेन किलर खाकर भी नहीं ठीक हुआ, दूसरे को थोड़ा बाम लगा के ठीक हो गया और तीसरे ने तो किसी ने दबाया ना उसी में ठीक हो गया। ऐसा रस फर्क होता है कि नहीं। तो तुम जिस रस से बांधोगे ना, रस से बांधना मतलब तुमने किसी को अंतराय दिया लेकिन बाद में अब तुम गलत काम को गलत मानते हो तो तुम व्यक्ति सही हो। तो तुम्हारा वो रस, जैसे जैसे तुम गलत काम को गलत मान रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा कर रहे हो ना, जैसे जैसे अनुप्रेक्षा हो रही है वैसे वैसे रस यहां अपने आप मंद होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रस मंद होना, रस अनुभाग, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। और नंबर फोर स्थिति, चार चीजें होती हैं, जैन शास्त्रों के शब्द है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, अनुभाग बंद, अनुभाग यानी रस, रस बंद, और चौथा स्थिति बंद। यानी अब तुमने जो आज कर्म बांधा, समझो तुमने आज किसी को अंतराय दिया, अब वो कितने सालों बाद उदय में आने वाला है, कितने सालों बाद, हो सकता है कल ही उदय में आ जाए, खत्म, कल ही उदय में आ जाए तुम्हारी फाइल खत्म हुई, लेकिन समझो वो 20 साल बाद उदय में आने वाला है तो 20 साल तक ये फाइल तुम्हारी खुली रहेगी। हो सकता है वो 200 साल बाद उदय में आने वाला है, मतलब कितने जन्म तुम्हें उस कर्म को निपटाने के लिए लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे। हो सकता है वो 2000 साल बाद आने वाला है, स्थिति कितनी भी लंबी हो सकती है, यदि तुम अनुप्रेक्षा कर लेते हो रस और स्थिति तुरंत कम हो जाती है। अनुप्रेक्षा करने से फल क्या मिलेगा, उसका रस, यानी कितनी इंटेंसिटी से वो कर्म आने वाला था। जैसे किसी को सिर में खाली दुखता है ना और वो सिर का दर्द ही होता है, एक साइनस होता है समझ लो, और किसी को दुखता है सीधा कैंसर की गांठ बन जाता है, बनता है कि नहीं, ये इतना फेरफार क्यों है, दो लोग हैं लेकिन इन दोनों में एक को ऐसा होता है और दूसरे को ऐसा होता है, क्यों होता है, कर्म की प्रकृति का खेल चल रहा है ये सारा, ये पूरी दुनिया तुम देखोगे ना कर्म का खेल है। और इन कर्मों में अब जो भी ऑलरेडी बंध गए हैं उसके अंदर भी फेरफार लाना है और नए बांधने के अंदर जागृति रखनी है। जो बंधे हैं उसमें अनुप्रेक्षा करनी है, अनुप्रेक्षा यानी क्वांटिटी को कम करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने दिन में कौन सी गलत गलत क्वालिटीज ले आए, उसको ठीक करो एंड देन गिव अ डायरेक्शन कि अब मुझे ये करना है। ये चार कृत्य अनुप्रेक्षा करने का परिणाम होते हैं, ये चार घटनाएं घटती हैं अपने आप। जैसे ही तुम अनुप्रेक्षा करते हो वैसे ही तुम्हारे कर्म की प्रकृति बदलती है, तुम्हारे कर्म के प्रदेश, कभी हम कर्म ग्रंथ लेंगे ना उसमें समझोगे, लेकिन अभी ब्रॉडली समझ में आ गया ना, उसका जो रस है वो कम हो जाता है और उसकी स्थिति जो 200 साल बाद उदय में आने वाला था वो दूसरे ही दिन उदय में आता है। इसीलिए ज्ञानी लोग क्यों बीमार होते हैं, समझ में आ रहा है, 200 साल बाद उदय में आने वाला जो कर्म था अनुप्रेक्षा कर करके उसकी स्थिति को वो कम सिकुड़ते जाते हैं। इसलिए तुम देखोगे ना रामकृष्ण परमहंस को ले लो या जिस भी ज्ञानी को ले लो ना, उनके जीवन में बहुत तकलीफें तकलीफें दिखेंगी, बहुत, अभी के इस कलयुग में तो खास। और यहाँ हम लोगों भी जिसको हीरो मानते हैं भगवान महावीर को, वो शासन नायक के जीवन में भी कितनी तकलीफें थी कि नहीं थी, वो सब तकलीफों के बीच वो क्यों, क्योंकि स्थितियाँ जो लंबी लंबी बांध रखी थी उनको छोटा करना है। छोटा वो होता ही तब है जब तुम अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया में से गुजरते हो। तुम्हें समझ में आ रहा है पूरा मोक्ष मार्ग आज चल रहा है। तुमने कुछ गलत कर लिया तो भी चिंता नहीं है, तुमसे कुछ गलत अभी भी हो जाए तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अनुप्रेक्षा का साधन है। अनुप्रेक्षा करते ही कर्म की प्रकृति बदलेगी, टाइप ऑफ प्रकृति मतलब टाइप ऑफ कर्म, वो ज्ञानावरणीय होगा तो वो थोड़ा किसी और में ही उदय में आ जाएगा, वो ज्ञानावरणीय के बदले किसी, तुम्हारा रूप थोड़ा कम होगा बस ना, तुम्हारी नाक मोटी होगी, दैट्स इट।
तुम्हारी प्रकृति बदल गई। हो सकता है तुमने बहुत घोर अशाता की हो, किसी की अशातना की हो, लेकिन उसके बाद तुमने अनुप्रेक्षा कर करके, उसका प्रायश्चित कर करके, खेद कर करके, अब वो कर्म तो मान लिया है इसलिए कहीं ना कहीं उदय में तो आएगा, लेकिन उसका उदय एक्चुअल में ये था कि तुम्हें किसी सत्पुरुष का योग ही नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने अनुप्रेक्षा करते 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 उस कर्म की प्रकृति बदल दी कि अब तुम्हें सद्गुरु का योग मिला, यानी तुम्हारा ज्ञानावरण्य दर्शवण्य मोनीय ये सब तो काफ़ी कम था, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे नाम कर्म में, समझो ना, तुम्हारी नाक मोटी सी पैदा हो गई, या तुम थोड़े मोटे पैदा हो गए, या तुम किसी ऐसे घर में पैदा हो गए कि जब धर्म की इतनी बात नहीं चलती, लेकिन फिर भी तुम सद्गुरु तक पहुंच गए, पूरी प्रकृति पलट जाएगी। ऐसा पलटता है कि नहीं तुम देखते हो लोगों में? प्रकृति यानी टाइप ऑफ कर्म, उसका प्रदेश यानी कितनी जगह को घेरेगा, तुम्हारे तुम्हारी काया में भी कितने पोर्शन को घेरेगा, तुम्हारे वचन कैसे में घेरेगा, या तुम्हारे मन को। और आजकल तो हर कोई मन से ही परेशान है कि नहीं है, मन में दुख बहुत है, ऊपर से हंसते हुए चेहरे और मन में दुख दुख संतप्तता संताप, और उसके बाद अनुभाग यानी रस यानी इंटेंसिटी, और उसकी स्थिति यानी टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम है उसको भी तुम कम कर सकते हो। तो मैं क्षमापना में भी बताती हूँ ना, टाइम बॉम्ब लगाया है तो वो फूटे उससे पहले तुम उसे डिफ्यूज़ कर सकते हो कि नहीं? स्थिति भी यही है, टाइम बॉम्ब है ये सारे, इन सब को डिफ्यूज़ किया जा सकता है ओनली थ्रू अनुप्रेक्षा। अद्भुत है ये प्रक्रिया। क्या अभी मत बजाओ, बाद में। प्रक्रिया क्या? मात्रा कम करो, उसकी क्वालिटी को बदलो, और उसे एक नई दिशा दो। ये तीन चीज होगा, नई दिशा के मिलते ही तुमने क्वांटिटी कम की, क्वालिटी बदली, लेकिन दिशा नहीं दी ना, इसका मतलब तुम्हारी प्रकृति नहीं बदली, तुम करेले के करेले रहे। इसलिए तीनों पूरा करना। तुम कहना हम पहले दो तो कर लेते हैं लेकिन अब दिशा नहीं देते। हर बार अपने आप को निर्णय दो। मैंने जब भी जिंदगी में, मैं कहती हूँ ना जिंदगी से सीखती हूँ, जब भी जिंदगी में मैंने कुछ गलत किया होगा ना, उसके बाद निर्णय किया कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कोई भी गलती मैं साल से पहले रिपीट नहीं करती। अगर आज मैं किसी को कह रही हूँ अरे मैं भूल गई हूँ, तो समझना ये भूलना मेरा एक साल तक तो कम से कम नहीं होगा, इतनी जागृति रहती है, क्योंकि मेरी स्थिति बिल्कुल प्रकृति बदल जाती है। भूले कैसे? मतलब इस बात का हमें इम्पॉर्टेंस नहीं थी, तभी हम भूल गए। इम्पॉर्टेंस नहीं थी लेकिन दिखा रहे सामने वाले को इम्पॉर्टेंस है, ये तो कितनी असरलता है, ये तो चालाकी है, मायाचारी। ऐसे इंट्रोस्पेक्शन अनुप्रेक्षा करते करते मेरी जल्दी से कोई भी भूल है ना, साल साल तक रिपीट नहीं होती, और साल बाद होती है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तुम्हें भी इस यात्रा में मेरे साथ चलना, तुमने कहा ना पीछे पीछे चल रहे हैं आपके, तो गैप बढ़ ना जाए कहीं, कहीं पता चले पीछे पीछे चल रहे हैं मैं तो गायब हो जाऊं और तुम सब आपस में ही घूम फिर के रिंगा रिंगा रोजेस खेलने लग जाओ, एंड देन ऑल फॉल डाउन। फाइनली तो यही होता है ना, ऑल फॉल डाउन। क्योंकि यदि मैं तुम्हारे आउट ऑफ साइट चली गई, फिर तुम लोग सत्संग ही ना एक संप्रदाय बना के रिंगा रिंगा रोजेज ही खेलते हैं सारे। एक बार उनके बीच की जो आत्म ज्योति जिसकी जागृत है ना, वो चला जाए ना, उसके बाद जो पीछे रहे हुए लोग सारे संप्रदाय बनाते हैं कि नहीं, वो संप्रदाय में सब हाथ पकड़ के घूमते हैं, रिंगा रिंगा रोजेज ही खेलते हैं, और फाइनली ऐसा होता ही है। इसलिए जिसने मेरे साथ यात्रा कर ली ना, समझो बहुत बहुत समझदार है, बहुत बहुत बलवान है, अपने मन के अगेंस्ट भाग रहा है, जन्मों जन्म का जो मन है उसके विपरीत दिशा में चल पड़ा है। और जिसने नहीं यात्रा की वो ऑल फॉल, ऑल फॉल। श्राप नहीं दे रही हूँ तुम्हें, दिस इज सो साइंटिफिक। तुम मेरे साथ चल लिए निकल लोगे काफ़ी आगे तक, मेरे पीछे से अगर तुमने सोचा ना प्रभु अभी बोल रहे हैं ना एक साल बाद देखेंगे, एक साल में कोई भरोसा नहीं है। 2014 खत्म हो रहा है, 2015 कैसा शुरू होगा तुम्हें भी नहीं पता। हो सकता है मैं नियम ले लूँ, मुझे इस साल कुछ नहीं करना, इस साल नो एक्टिविटीज़, क्या करोगे तुम? ले सकती हूँ ये पल्लवी प्रभु, इंटीरियर इतना अच्छा कर रहे हैं ऊपर में, हो जाए पूरा तो, अगर हो जाए होगा ही, इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो एक तरफ नडियाद पधार रहा है और एक तरफ इडर आ रहा है। हम लोगों के यहाँ स्थापना भी हो जाएगी थोड़े ही दिनों में, जो कुछ भी रेनोवेशन चल रहा है, तो नडियाद यानी आत्मसिद्धि शास्त्र और इडर यानी जहाँ सिद्ध शिला का कृपाणुदेव को अनुभव है, दोनों ही पधार रहे हैं। तो अब वहाँ इतनी कितने 40-50 लोग बैठ पाएंगे, उतना ही बड़ा हम लोग बना रहे हैं। तो बस उसके बाद तो मैं हैंड पिक करने की सोच रही हूँ,
मैं अपनी एक्टिविटीज़ थोड़े टाइम के लिए बंद करूं, मैं जाऊं अनुपरीक्षा में कि कहीं चोर और छिपे हों, वो कॉकरोच वगैरह कहीं और हों, तो खोज खोज के निकालूं। क्या भरोसा क्या है समय का? तो जो लोग मेरी गति के साथ चल रहे हैं उनको हैंडपिक कर करके बुलाऊंगी, और हो सकता है उसमें बहुत निकट रहने वाले लोग भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है जो बहुत अभी अभी से आए हैं, सरदार जी जैसे, वो सरदार जी बोलते आपको बुरा नहीं लगता ना, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या है नाम? रविंदर जी, ठीक है रविंदर जी, अब याद रह गया। ये रविंदर जी जैसे लोग आ जाए, ना दूसरी कम्युनिटी के लोग, लेकिन एकदम से जो सत्संगों के रस को पी रहे हैं, ऐसे लोग हो सकता है मैं हैंडपिक करके बुला लूँ, और ऐसे जो मेरे बहुत पास रह रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कुछ भी हो सकता है। तुम जितना सुनते हो ना उसे अप्लाई करो, और तुम जितना अप्लाई करोगे ना तुम्हारे चेहरे पर मुझे नज़र आएगा, तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा और मुझे समझ में आएगी तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। चलो अब आगे एक और, ये दो कर ले छोटे छोटे। समझ में आया कि कोई क्वेश्चन है? पूरा मोक्ष मार्ग अनुप्रेक्षा में है, इसलिए तेरा पंथी वाले अगर मोक्ष मार्ग को अनुप्रेक्षा कहते हैं, उनका ध्यान का नाम भी प्रेक्षा ध्यान होता है, सब कुछ प्रेक्षा से ही रिलेट करते हैं वो लोग। हम लोग ह्यूस्टन में थे, ह्यूस्टन में गए थे ना, उनके मंदिर पर गए थे, पूरा उनका जो सेंटर बना था ह्यूस्टन में टेक्सास के अंदर, तो देखा कि पूरी सारी बात केवल इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन। और सच में वो जो साध्वी जी जो हमें पूरा सेंटर दिखा रही थी अपना, उन्होंने भी यही बोला कि कहाँ से ये सारी तीर्थ यात्राएँ और नाचना धर्म में और ये सब वरघोड़े निकाले, सब कहाँ से आया समझ ही नहीं आया, क्योंकि भगवान महावीर ने कभी ये बातें नहीं कही। उन्होंने भी तब भी उत्तराधीन सूत्र का रेफरेंस दिया था कि बेन आप उत्तराधीन सूत्र में भी देखोगे ना जाके, तो उन्होंने यही बोला है कि अनुप्रेक्षा। तब मैंने ये नहीं इतना डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है। और फिर उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में हमें ले गए थे, तो सारी किताबें प्रेक्षा के ऊपर, क्या लिखा होगा इतना, मैंने तो इतना छोटे में बता दिया तुम लोगों को, लेकिन हाँ जब छोटा बताया जाता है छोटे में, लेकिन जब वो अनुभव होता है ना तो उसका बहुत विस्तार हो जाता है। सारे के सारे यही बहुत बड़ा लग, ये जिंदगी भर की साधना है तुम्हारी जी। किसमें? हाँ वही तो है, पूरा प्रोसेस ही ये है, पहले विचारों को कम करो, मात्रा को, उसके बाद उनको उनकी क्वालिटी को बदलो, और फिर दिशा दे दो। जैसे ही तुम दिशा दे देते हो तुम्हारी प्रकृति बदलती है, यानी विचारों की शुद्धता, यानी मन तुम्हारा अब धीरे धीरे मर रहा है, तुम्हारी बुद्धि हावी हो रही है, प्रज्ञा बढ़ रही है, राग और द्वेष जा रहा है, सीधा तुम्हारा एनकाउंटर तुम्हारे अपने अस्तित्व से हो जाएगा। दो ही सूत्र बचे, सभी कर लेते हैं, 10 मिनट ज़्यादा लगा के कर लें, क्योंकि फिर हम लोग शायद महीने बाद ही मिलेंगे अब तो, और वो 2015 का कुछ पक्का नहीं है, मैं अभी से बोल देती हूँ तुम्हें। तुम लोग कहो प्रभु ने सूत्र शुरू किया तो 73 पूरे तो करेंगे ही ना, मेरे साथ ना ये सब गठबंधन मत करना। मैं आज़ाद हूँ तो मैं आज़ाद ही रहना चाहती हूँ, हो सकता है मैं 24 सूत्रों के बाद बंद कर दूं। आज श्रुताराधना है, तुम्हें कोई तकलीफ है? तुम लोग कोई केस करोगे, स्यू कर दोगे मुझे? नहीं करोगे ना, थैंक यू। नहीं, चालू रहेंगे, डोंट वरी। धर्म कथा भन्ते, धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म कथा का मतलब यही है, जो कुछ भी तुमने सुना है अगर वो अनुभव बन चुका है, अगर वो अनुभव बन चुका है तो उसे घूम घूम कर दूसरों को कहो। मैं यही काम कर रही हूँ अभी, धर्म कथा का क्या कर रही हूँ मैं, धर्म कथा, जो कुछ भी तुमने सुना है यदि वो तुम्हारा अनुभव बना है तो ही हो। ऐसे ऋतिका तो 2 घंटे का लेक्चर देकर आओगी तो नहीं, तुम्हारे जीवन में अनुभव बन गया है, नाउ स्पीक, वेट करना, क्योंकि बिना अनुभव के तुम बोलने जाओगे ना, नहीं वो बात का प्रभाव ही नहीं होगा। समझो ना, किसी ने वो न्यूज़पेपर में स्विट्ज़रलैंड की एड देखकर बोलता है स्विट्ज़रलैंड तो जाना ही चाहिए, उसकी बात का क्या प्रभाव होगा? और एक है जो स्विट्जरलैंड घूम कर आया है, वहां की बर्फीली वादियों में वो ठंडी ठंडी हवा खा कर आया है, उसकी बात में, उसकी आंखों की चमक, उसके बोलने की अदा, उसमें कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? जिसने अनुभव किया है ना, तुम अनुभव करके बोलोगे ना, तुम्हारी बात का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। और तुम खाली शास्त्र पढ़ के, एडवर्टाइजमेंट, शास्त्र तो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट पढ़ पढ़कर तुम दूसरों को कह रहे हो हाँ ये मनुष्य बहुत तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारी बात का कोई वो सुन ही नहीं रहा, यही समझो बहरा हो गया। इसलिए अनुभव करने के बाद जो कुछ भी तुम्हें लगता है दूसरों को कहना चाहिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं जरूर कहना, नहीं तो तुम ज्ञान विशुद्धि के मार्ग पर नहीं हो। ये ज्ञान विशुद्धि क्रम चल रहा है, चौथा गुच्छा, इसके बाद 3 गुच्छे आएंगे, उसमें 3 प्रकार के अनुशासन है। पहला आएगा कायिक, फिर आएगा वाचिक, और फिर आएगा मानसिक। ये 3 प्रकार, नहीं पहले मानसिक, देन कायिक और देन वाचिक।
ये तीन प्रकार के अनुशासन आएंगे कि अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की विशुद्धि हुई है, यानी ये नौ चीजें तुम्हारे भीतर हुई है, तो अब तुम्हारा मानसिक अनुशासन कैसा होगा? मानसिक, तुम्हारा मेंटल इंटेलेक्चुअल अनुशासन यानी डिसिप्लिन, तुम्हारे थॉट्स किस टाइप के होंगे, वो चेक पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद तुम्हारा वाचिक अनुशासन, दो बातें आएंगी उसमें भी। उसके बाद आएगा तुम्हारा कायिक अनुशासन, तुम्हारी बॉडी में भी किस प्रकार का डिसिप्लिन होगा, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे अज्ञान, इन दोनों काल में तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड और तुम्हारे शब्द, इन तीनों की क्वालिटी और इन तीनों का ढंग ही बदल जाता है। इसलिए ये तीन प्रकार के अनुशासन इस चौथे गुच्छे के बाद, पांचवा, छठा और सातवां, मानसिक अनुशासन, वाचिक अनुशासन और कायिक अनुशासन, उसके गुच्छे लगभग 10-12 सूत्र उसके अंदर हम लोग करेंगे। तो तुम धर्म कथा करते रहना, ये है तुम्हारा वाचिक अनुशासन, आएगा उसमें भी। धर्म कथा से तुम्हारी ज्ञान विशुद्धि होती है, नहीं तो तुमने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन विशुद्धि नहीं हुई। और प्राप्त ज्ञान के अंदर भी तकलीफ कहाँ होती है? तुमने ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया है कि तुम्हें पता ही है कि क्रोध नहीं करना, फिर भी क्रोध हो जाता है ना, इसका मतलब ज्ञान अशुद्ध है तुम्हारा। समझ में आती है बात? तुम्हें मालूम तो है कि ये सत्पुरुष राइट है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी कभी उनके पूर्व के कारण, उनके पास्ट के कारण तुम्हें उनमें डाउट हो जाता है। ये क्या है? ज्ञान की अशुद्धि है। तुम्हारा ज्ञान में आ रहा है नहीं यही सत्पुरुष है, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हें शंका होती है, इसका मतलब तुमने ज्ञान विशुद्धि की नहीं है पूरी। तुमने कभी कभी अनुप्रेक्षा तक भी तुम पहुंचे, लेकिन पूरा विशुद्धि का क्रम है ये लिखा है इसने, हाँ, ज्ञान विशुद्धि क्रम, ज्ञान विशुद्धि मार्ग। तुमने यहां से प्रतिप्रश्ना भी की, परावर्तना भी की, अनुप्रेक्षा भी की, लेकिन यदि धर्म कथा नहीं की, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, तो विशुद्धि नहीं होगी। इसका मतलब वापस कहीं ना कहीं तुम्हें ज्ञान में भी अपने शंका रहेगी, सत्पुरुष में भी शंका रहेगी, तुम्हें खुद को ही डाउट होगा। इनफैक्ट साल पहले भी मुझे लोग आके पूछ लेते थे, हमें कैसे पता चले हम राइट पाथ पर चल रहे हैं कि नहीं। थैंक यू गॉड, अब इन अष्टावक्र और उत्तराधीन सूत्र के सत्संगों के बाद लोग आके ऐसे बेहुदा प्रश्न नहीं कहते मुझे। दे क्लियरली टेल मी कि हमें बिल्कुल पता चल रहा है, हम बिल्कुल राइट पाथ पर चल रहे हैं। आप लोग आके कहते हो ना, प्रभु हम नहीं चल पाते, वो हमारी कमजोरी है, मगर राइट पाथ तो यही है। ये निर्णय कहाँ से आया तुम्हें? कहाँ से आया? ज्ञान विशुद्धि क्रम। ये तुम ज्ञान विशुद्धि थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहे। देखो, मैं इसको और ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर रही हूँ ड्यू टू द कृपा ऑफ उत्तराधीन सूत्र। बाकी चल तो रहे ना, तुम देखोगे तो सब कुछ थोड़ा थोड़ी मात्रा में तो तुम्हारे जीवन में है। धर्म कथा यानी जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अनुभव बन चुका है, उसे दूसरों को कहना और करने के लिए मोटिवेट करना। इसका परिणाम क्या है? ज्ञान विशुद्धि का क्रम है ये, इसमें परिणाम लिखा है। धर्म कथा से वह कर्मों को क्षीण करता है। ऑब्वियस है, सभी प्रकार के कर्म उसके क्षीण होते हैं, क्षीण मतलब मंद पड़ते हैं। और प्रवचन की प्रभावना करता है, अच्छी बातों की प्रभावना करता है। प्रवचन की प्रभावना करने वाला यह जीव भविष्य में, फायदा देखो यहाँ है, भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन करता है। वो भविष्य में भी ऐसे कर्म अभी से इकट्ठे करता है। अब जैसे अभी मैं आपको ये सत्संग वगैरह का, हम लोग जो सुन रहे हैं आप मेरे माध्यम से, तो कहीं ये कर्म बांधा होगा ना, कहीं ये कर्म बांधा है, तब आज जाके ये कर्म उदय में आ रहा है। या ये अनु प्रभु योगा सिखा रहे हैं लोगों को, निष्काम कर्म, कोई फीस नहीं लेते, कुछ भी नहीं, सुबह 5 बजे में सिखाना शुरू कर देंगे, तो ये जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म भी उदय में आया, यानी कहीं बांधा है ना। निष्काम सेवा करने का लाभ भी आपको कब मिल रहा है? जब पूर्व में कहीं आपने बांधा है। दुनिया भर के, विश्व भर के लोगों तक ये सत्संगों को पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, ये कर्म भी कहीं बांधा है ना तुमने। तब तो तुम्हें इस 40 साल की उम्र में धंधा करने के बदले ये सेवा का मौका मिला, आपको घर में रोटियां पकाने के बदले ये सेवा का है कि नहीं। ये जो तुम जैसे जैसे धर्म कथा करते हो, वैसे भविष्य के लिए भी तुम अपनी सुरक्षा, जैसे अभी भी तुम भविष्य की सुरक्षा बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, ये कर्मों की बैंक में तुम डिपॉजिट करते हो कि कल्याणकारी कर्म ही तुमसे होंगे, ऐसी भविष्य के लिए तुम आयोजना करते हो धर्म कथा। इसलिए तीर्थंकर होते हैं ना, वो इस प्रकार से तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं। ऐसा भाव होता है उनके भीतर, ऐसा दूसरों को बता दूं, समझा दूं, मोक्ष में पहुंचा दूं, जबकि तत्व ज्ञान नहीं है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, नहीं पता क्या उन्हें? सब पता है, लेकिन फिर भी अंदर भावों का आवेश इतना ज़्यादा होता है ना कि इनको ना बता दो, किसी तरह से ठुसा दो इनके दिमाग में,
और उस कारण से ऐसा आगे का भी आयोजन करते हैं कि आगे जाके वापस वही के वही कल्याणकारी कर्म उनके जीवन में प्रकट होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी हो रहे हैं ना, तुम दूसरों को लाभ पहुंचा सको ऐसा कुछ भी तुम्हारे जीवन में, क्योंकि कर्मों का ही पूरा लेखा जोखा बदल जाता है। फाइनली आखिरी सूत्र कौन सा है, श्रुत आराधना। एक शब्द होता है आराधना और दूसरा शब्द होता है विराधना। विराधना दो शब्द होते हैं, क्योंकि विराधना समझोगे तो आराधना अपने आप समझ में आ जाएगी। जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, देखो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, स्तव स्तुति मंगल किया तुमने, काल प्रतिलेखना से तुमने अपने तामसिक राजसिक सात्विक सारा स्वभाव जाना, तुम सब कुछ समझ पा रहे हो, लेकिन यदि तुम उसके अंदर चेंज लाने में सक्षम नहीं हो, मतलब तुम विराधना कर रहे हो। तुम अपने को सुन भी रहे हो, तुम अपने सत्पुरुष को समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन उस दिशा में नहीं चल पा रहे, इसका मतलब तुम श्रुत विराधना कर रहे हो, और उसकी दिशा में चल रहे हो उसका मतलब श्रुत की आराधना कर रहे हो। श्रुत आराधना से ज्ञान विशुद्धि पूरी होती है, उससे पहले पूरी नहीं होती। श्रुत आराधना तो तुम देखो वैसे लिखने का क्रम है, लेकिन ये तो हर एक सूत्र के साथ बैठेगा। तुमने जहां देखा अरे मेरे भीतर तामसिक वृत्ति आई है, अब राजसिक की तरफ जाऊं, हाँ अब सात्विक की तरफ जाऊं, जैसे ही तुमने भीतर देखा और तुमने वो कर डाला, मतलब तुमने श्रुत की आराधना करी, और तुम नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम श्रुत विराधना में लगे हुए हो। हर क्षण का की साधना है। तुमने जैसे ही देखा कि आज पूरे दिन बहुत थॉट्स और बहुत हेजी मेजी क्लम्जी थॉट्स मेरे माइंड में चले हैं, तो मैं क्या करूं, अनुप्रेक्षा, चलो पहले तो थॉट्स की क्वांटिटी को कम करूं, मात्रा को, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को बदलूंगा, फिर उन्हें ठोस दिशा दे दूंगा। तुम्हें ये जब निर्णय हो जाता है ना, तुम ये करने बैठ जाते हो रात को, तो इसका मतलब तुमने श्रुत आराधना की, लेकिन सुनने समझने के बाद भी तुम नहीं करते, तुम श्रुत विराधना में। इसलिए उत्तराध्यन सूत्र के सत्संगी, छोटी सी हमारी ये जो कम्युनिटी है, इस छोटी सी कम्युनिटी को तुम्हें बहुत बहुत, हाँ सपना जी एकदम समझ में आ गई आपको बात, मैं तुम्हें बार बार ठोक ठोक के कह रही हूँ कि तुम्हें मैं जितना खोल खोल के उत्तराध्यन के माध्यम से समझा रही हूँ, फिर भी तुम नहीं करते, तो तुम श्रुत की विराधना करोगे और फिर तुम कहाँ जाके सड़ोगे मरोगे, शब्द अच्छे नहीं बोल रही, लेकिन जान मुझ के बोल रही हूँ ताकि तुम जागो रात के 10:45 बजे भी, तुम जागृत तो हो ना। इतना सुनने समझने, या तो तुम आओ मत, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, तुम मत आओ, डोंट कम, क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद भी यदि तुम नहीं करते, तुम श्रुत विराधना में पड़े हो, और आराधना का जो फल होगा उससे ही तो विपरीत होगा विराधना का फल, अभी देख लेते हैं। श्रुत आराधना मतलब ये जो कुछ भी तुम वाचना कर रहे हो, तुम प्रति प्रश्न कर रहे हो, प्रति प्रश्न में अपने से पूछना, सत्संगी से पूछना या सद्गुरु से पूछना, सद्गुरु से पूछने के बाद भी तुम करते हो अपने मन का श्रुत विराधना। समझ में आ रही है बात, श्रुत आराधना। देखो ऐसे होते हैं लोग, खाली बस दूसरों से पूछने के लिए पूछते हैं, हम क्या करें जी, हम कैसे करें जी, मैं तो पूछती हूँ, जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम करने वाले हो, तो मैं इतना माथा फेड़ा फोड़ी करूँ अपनी ने, तो मैं ना करूँ, अगर तुम करने ही नहीं वाले हो तो तुम, मुझे तकलीफ नहीं है प्रभु, जहाँ मैं यहाँ तुम्हारे से भी आधा घंटा और मांग मांग के बोलती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं 2 मिनट उसको सजेशन नहीं दे सकती क्या, तुम्हें क्या लगता है। लेकिन ये तो भीतर की करुणा होती है, जब मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला मेरा बताया नहीं करने वाला, और ऐसा करेगा तो वो श्रुत की विराधना करेगा, और कहाँ जाके सड़ेगा, जब मुझे पूरा दिख जाता है ना आगे का दृश्य, उसके बाद मैं लोगों को कहना बंद कर देती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को बहुत कुछ कहना बंद कर दिया है, हंसने की बात नहीं है ये, बहुत कुछ कहना बंद कर दिया है, इसी कारण से, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो श्रुत आराधना करने के बदले श्रुत विराधना में लग गए हैं, और इसलिए उनका ह्रास हो आगे जाके वो कहीं गिरे, उससे पहले मुझे तो कम से कम, मुझे तो दिख रहा है आगे का सीन, मुझे तो अपने आप को स्टॉप कर देना चाहिए, चेक इट आउट। तुम यदि किसी से पूछते हो, अपने से हायर से कम इतना सद्गुरु के साथ का यदि तुम्हारा संबंध है, तो उसमें ये ध्यान रखना, पूछते हो तो बिल्कुल उससे पहले के दोनों ऑप्शंस क्लोज हो जाने चाहिए, अपना अपनी इच्छा जो थी वो भी क्लोज हो जानी चाहिए, उसके बाद जो दूसरों ने तुम्हें कहा था वो भी क्लोज हो जानी चाहिए। तुमने कहा ना, भले तुम्हारी इच्छा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन तुमने कहा ना, इसलिए मुझे श्रुत आराधना के धर्म में जाना है, विराधना के धर्म में नहीं जाना। ये है श्रुत आराधना। अनुप्रेक्षा करते हो साथ साथ श्रुत आराधना, धर्म कथा करते हो साथ साथ, जो कुछ सुना है उसे दूसरों तक पहुंचा रहे हो श्रुत की आराधना।
सुना है, अपने तक पकड़ के रखते हो, नहीं मेरा मोक्ष पहले हो जाए, मेरा मोक्ष पहले हो जाए, ऐसा करते तुम्हारा ही नहीं होगा, वो तो छूट जाएगा, तुम्हारा ही नहीं होगा। इसलिए श्रुति की आराधना, और श्रुति की आराधना का फल क्या है, श्रुति की आराधना से अज्ञान का क्षय करता है। जो विराधना करेगा वो क्या करेगा, अज्ञान को बढ़ाता जाएगा। राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक संकलेशों से बच जाता है। देखो आगे ना, फाइनली जहां तहां से राग द्वेष रहित होना, यही अंतिम में ज्ञान विशुद्धि क्रम का जो अंतिम सूत्र है उसमें फाइनली बात आ गई, राग और द्वेष के संकलेशित परिणामों से बच जाता है। उसका मन ही ऐसा हो जाता है, उसे कहीं यहां तो है ना, वहां अमेरिका में बॉम्ब गिरेगा ना 9/11, तो यहां तुम्हारे मन में राग द्वेष शुरू हो जाएंगे। जो अमेरिका वाले होंगे, अमेरिका के पक्ष में होंगे, वो द्वेष करेंगे, ओसामा कौन था, ओबामा था, ओसामा था, किसने गिराया था बॉम्ब, ओबामा तो कौन था, अच्छा वो तो प्रेसिडेंट है, सॉरी, अरे तू ये हटा देना, वो अमेरिका वाले देखेंगे नहीं, चलो जनरल नॉलेज वीक है मेरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओसामा के ऊपर द्वेष करेगा जो अमेरिका के पक्ष वाले हैं, वहां बॉम्ब गिरा और यहां तुम्हारे अंदर राग और द्वेष, और अगर तुम अमेरिका के अगेंस्ट हो, अमेरिका के इमिग्रेंट ऑफिसर ने ना मुझे रोका था, शिकागो के इमिग्रेशन के अंदर मुझे अटका दिया था, तो अब तुम्हें द्वेष है अगर अमेरिका वालों के ऊपर, अच्छा हुआ इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इनका तो वो 11/9 का कांड हर महीने होना चाहिए, तुम ऐसा सोच लेते हो, क्या है ये राग और द्वेष, तुम्हारे मन के अंदर ये राग और द्वेष के संकलेशित परिणाम सतत चल रहे हैं ना, उसका कारण ये है कि तुम श्रुति की विराधना कर रहे हो। तुम्हें सद्गुरु की, श्रुति की, आगम की, सत्संगों की आराधना का अर्थ नहीं पता, तुम सच में आते हो ना तो एटलीस्ट एक निर्णय करो, मैं तुम्हें श्राप में से तब मुक्त करूंगी। श्राप मेरा आज तो मैंने, मेरा क्या हर आगम प्रमाण देता है कि अगर तुम श्रुति की आराधना नहीं करते तो तुम संतप्त रहोगे। अब तुम्हें इसमें से मुक्त होना है, हाँ तुम हो बड़े सियानी चीज सारे, इसलिए तुम कहोगे हमें मुक्त होना है, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक चाबी बताती हूँ, मेरे पास, क्योंकि मैं डॉन हूँ ना, तो मेरे पास हर चीज़ स्मगल करके आई हुई है कहीं ना कहीं से। डॉन का काम क्या होता है, स्मगलिंग करना ना, तो डॉन स्मगलिंग करके काफ़ी शास्त्रों से बहुत कुछ लेकर आ गया है, तो उसको सबके पता, वो पता है कि अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो इतना कर लो ना तो भी बच जाओगे, तो तुम्हें चाहिए वो चाबी के चलने दूँ, नहीं वैसे ना 11/5 ही है, रहने दो, पक्का चाहिए दे दे, हाँ बोल रहे, वो उन्हें भी लगता है अब तो ना, उनका भी वैराग्य ऐसा स्ट्रांग हुआ है ना, उनको भी ऐसा लगता है अब जल्दी पिंड छूटे। सद्गुरु की बताई किसी एक बात को, इसलिए मैंने अब जो ही सीखा है ना, तो मैं होमवर्क देना शुरू किया है, किसी भी एक सूत्र को भी, मैं तो बहुत चीज़ें बोलती हूँ पूरे सत्संग में, तुम कभी शांति से बैठोगे ना स्वाति प्रभु, जैसे वर्ड टू वर्ड सत्संग लिखते हैं घर जाके, तो तुम देखोगे तो शायद मैंने 50 बातें इंपॉर्टेंट बताई होंगी, 50 बातें, उस 50 में से मैं खुद ही ढूंढ के तुम्हें एक होमवर्क दे देती हूँ, वो होमवर्क तुम्हें ना पसंद में है तो तुम अपने लिए अपने आप एक होमवर्क बना लो कि हमें एक ये तो करना ही है। अगर तुम एक बात भी कर लेते हो ना तो तुम श्रुति की विराधना नहीं कर रहे, कि जिसने एक किया उसने सब किया। एक तुम अगर रात को 10 मिनट ये अनुप्रेक्षा भी कर लेते हो ना, बहुत, तुम प्रति प्रश्न वाला भी कर लेते हो ना, बहुत है, तुम प्रायश्चित वाला कर रहे हो ना, बहुत है, तुम सामायिक वाला कर रहे हो ना, बहुत है। मैं तो तुम्हें उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से 73 ऑप्शंस दे रही हूँ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम 73 के 73 कर लो, लेकिन तुम एक भी सही ढंग से करते हो। सी ऐसे नहीं, मैं आज ही सुबह पार्थ को समझा रही थी, पार्थ ऐसे ऐसे जो तैरेगा समुद्र में, कोई तैरता है और यूं यूं ऊपर ऊपर तैरे तो उसे पानी 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 और पानी ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। लेकिन जिसने यूं तैरना शुरू किया, भीतर जो डाइव मारना सीख गया है, उसे भीतर जाएगा तो उसे कितनी ही एनिमल, वो नई नई फिश मिलेगी, नए नए ढंग की अलग अलग रंगों की फिश मिलेगी, उसके नीचे जाएगा तो समुद्र का पूरी एक दुनिया है वो उसे मिलेगी, और नीचे जाएगा तो सीप मिलेंगे, और नीचे जाएंगे तो मोतियों से भरे सीप मिलेंगे, और नीचे जाएंगे तो एक नई दुनिया पूरी उनको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जैसे जैसे तुम एक भी सूत्र की गहराई में उतर जाओ, मैं तो 73 ऑप्शंस दे रही हूँ, तुम कहीं भूल से भी ये मत समझ लेना कि हमें 73 के 73 करने हैं, ऐसा नहीं है। तुम किसी भी सूत्र की गहराई में पहुँचोगे ना, तुम पहुँचोगे वहीं जहाँ तुम्हारे मन में से राग और द्वेष की ग्रंथियाँ कम होती जाएगी, और वो राग और द्वेष को कम होना उसी को श्रीमद् ने धर्म बोला है, बाकी सब तो ऐसे।
नौ सूत्र लिख लेना, समझ लेना, शायद एक महीने बाद अब लगभग हम लोग मिलेंगे 16 जनवरी है ना। हाँ, तो जो भी फ्राइडे आ रहा होगा जनवरी में 18 को आपके यहाँ स्थापना है ना, कि 19 को है, 18, तो 16 को अब हम लोग मिलेंगे। तब तक ये सारा रिवाइज करना, अभी तक तुम्हें 24 ऑप्शंस में दे चुकी हूँ टोटल, उत्तराजन सूत्र के इस अध्ययन के माध्यम से 73 देंगे। आप किसकी गहराई में जाने चाहते हैं, और वैसे आप गहराई में उतरोगे ना तो आपको पता चलेगा सारी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड ही है। आज बस इतना ही।